ऐसे ही और भी एपिसोड को सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कछुआ डरते हुए चटर्जी से पूछता है, वर्चू कहाँ है? चटर्जी, मेरी वर्चू कहाँ है? चटर्जी खामोश रहता है, कछुए के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। अमूदिता झट से बोल पड़ती है, देखिए ना युग जी, चटर्जी जी को क्या हो गया? आते से ही आपका नाम बड़बड़ा रहे थे, हमारे पूछने पर कुछ बता ही नहीं रहे थे, बस आपके नाम की माला जपे जा रहे थे, और जब आपको बुलाकर नीचे लाई तो खामोश खड़े हुए हैं। दिलीप चटर्जी को देखकर मन में सोचने लग जाता है, अब ये चटर्जी यहाँ पर क्यों आए हैं? एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जा रहा है, कि मेरा घर है कि चिड़ियाघर? कछुआ चटर्जी के पास जाते हुए उससे फिर पूछता है, वर्चू कहाँ है चटर्जी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, वर्चू तुम्हारे साथ आने वाली थी ना हॉस्पिटल से, तो फिर वो कहाँ पर है? चटर्जी फिर कुछ जवाब नहीं देता है, बेसुध होकर खड़ा रहता है। चटर्जी के कपड़े खून से सने हुए थे, उसके माथे पर बड़ी बड़ी पसीने की बूंद थी जो धीरे धीरे उसके माथे से फिसलते हुए फर्श पर गिर रही थी। फर्श पर खून जमा होने लग गया था। जैसे ही जानकी की नजर फर्श पर पड़ी खून की बूंदों पर पड़ती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। खून की बूंदों को देखकर उसके हाथ पैर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। दिलीप जानकी के बगल में ही खड़ा हुआ था। जानकी की हालत और खराब होती है, उससे पहले ही वो रजनी के साथ मिलकर जानकी को उसके कमरे में ले जाने लग जाता है। चटर्जी बेसुध होकर खड़ा हुआ था और बस तारा को देखे जा रहा था। कछुए को लगने लग जाता है कि वर्चस्विनी बाहर खड़ी होगी। वो तुरंत हवेली से बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर बारिश हो रही थी और वहां पर वर्चस्विनी नहीं थी। कछुआ फिर हवेली के अंदर आता है और इस बार चटर्जी को झकझोरते हुए उससे पूछता है, वर्चू कहाँ है चटर्जी? बोलो बोलो चटर्जी, वर्चू कहाँ पर है? युग भी चटर्जी से पूछने लग जाता है, हाँ चटर्जी, वर्चस्विनी जी कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ आने वाली थी ना, फिर वो कहाँ है? तारा भी रोते हुए चटर्जी से पूछती है, मम्मा कहाँ पर है चटर्जी भैया, बोलिए ना, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? मुझे मम्मा की याद आ रही है, मम्मा कहाँ पर है? जब चटर्जी तारा की आंखों में आंसू देखता है तो अपनी बेसुधगी से बाहर आने लग जाता है। चटर्जी बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, वो रास्ते में। इतना कहकर चटर्जी खामोश हो जाता है। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल के बारे में याद करके ही उसकी रूह कांप रही थी। वो पल उसके लिए इतना डरावना था जिसे वो याद तक नहीं करना चाहता था। कछुआ तुरंत चटर्जी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, रास्ते में क्या चटर्जी, रास्ते में क्या हुआ, बोलो चटर्जी। तारा भी रोते हुए बोल पड़ती है, मम्मा कहाँ है चटर्जी भैया, बोलिए ना, मम्मा कहाँ पर है? तारा की आंखों के आंसू देखकर चटर्जी अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो एक लंबी आह भरता है और अगले ही पल बोल पड़ता है, वर्चस्विनी मैम और मैं शाम होते ही हॉस्पिटल से हवेली आने के लिए निकल गए थे। अब हम लोग यहाँ पर आ ही रहे थे कि हमारी गाड़ी बार बार। इतना कहकर चटर्जी अतीत की यादों में डूब जाता है। उसे वो पल याद आने लग जाते हैं जब वो वर्चस्विनी के साथ हवेली की तरफ आने के लिए निकले थे और उनकी जिप्सी बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रही थी। इस वक्त चटर्जी और वर्चस्विनी जिप्सी में बैठे हुए थे। अंधेरा हो चुका था, आसपास ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों बहुत परेशान थे। इस बात का अंदाजा उनके माथे पर आती बड़ी बड़ी पसीनों की बूंद को देखकर लगाया जा सकता था। चटर्जी अब स्लो जिप्सी चलाने लग गया था ताकि उसे रास्ता समझ में आ जाए और वो उसी रास्ते पर ना आए। पर वो भले ही जितनी भी कोशिश कर ले स्लो चलाने की, वो बार बार घूम फिर कर एक ही रास्ते पर आ रहे थे। वर्चस्विनी चटर्जी को देखते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो चटर्जी, कैसी जिप्सी चला रहे हो बार बार, बार बार एक ही रास्ते पर लेकर क्यों आ रहे हो हमें? चटर्जी पलट कर कहता है, मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ मैम, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं लेता तो दूसरे रास्ते पर हूँ पर बार बार घूम फिर कर यहीं पर आ जाते हैं। वर्चस्विनी खामोश ही रहती है क्योंकि वो भी इस बात से अच्छी तरह परिचित थी कि चटर्जी सही कह रहा था। जो हो रहा था वो वर्चस्विनी की आंखों के सामने हो रहा था। वर्चस्विनी का भी सिर घूमने लग गया था, उसकी भी समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा था। चटर्जी ने जिप्सी उसी रास्ते पर लाकर खड़ी कर दी थी जहां पर वो घूम फिर कर बार बार आ रहे थे। आसपास अंधेरा छाया हुआ था, पूरे रास्ते में कोई दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो रास्ता पूछ सके। पूरी सड़कें अंधेरे में सुनसान पड़ी हुई थी। चटर्जी अपने आसपास देखते हुए बड़बड़ाता है, मायाजाल, मायाजाल, मायाजाल। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है कि तुमने क्या मायाजाल मायाजाल लगा कर रखा हुआ है चटर्जी? चटर्जी कहता है, हम माया जाल में फंस गए हैं वर्चस्विनी मैम, माया जाल में। वर्चस्विनी हैरानी के साथ पूछती है, कैसा माया जाल चटर्जी? चटर्जी डरते हुए कहता है, काले साए का माया जाल, ये उसी का माया जाल लग रहा है मुझे। तभी तो हम घूम फिर कर बार बार एक ही जगह पर पहुंच रहे हैं और जिस जगह पर घूम फिर कर बार बार पहुंचते हैं उसे माया जाल कहते हैं, जिसे माया से बनाया जाता है।
ये माया जाल ही है मैम, हम माया जाल में फंस गए हैं। वर्चस्विनी खामोश रहती है। सच तो ये था, कहीं ना कहीं वर्चस्विनी को भी चटर्जी की बातें सच लग रही थी। उसे इस बात का आभास था कि वो किसी न किसी जाल में फंस गई थी, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर उसने चटर्जी की ये बात कबूल कर ली तो चटर्जी और घबरा जाएगा, उसके अंदर का डर और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर का डर आपके सामने वाले को ही देखकर बढ़ता है। अगर वो हिम्मत वाला होता है तो आपके अंदर का डर भी कुछ कम हो जाता है। इसलिए वर्चस्विनी जानबूझकर चटर्जी की बात को खारिज करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है चटर्जी, हम कोई माया जाल में नहीं फंसे हैं। ये माया जाल जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो तो बस अंधेरा ज्यादा है ना, इसलिए रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं और हम भटक गए हैं। देखो आसमान में कितने काले बादल छाए हुए हैं, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, रास्ता कोई तो रास्ता होगा, हाँ वो रहा। वर्चस्विनी अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, चटर्जी वो देखो, हम सीधे जा रहे थे ना, वही सीधे रास्ते में लेफ्ट साइड से भी एक रास्ता जा रहा है, तुम उस साइड चलो। चटर्जी कहता है, पर मैम वो रास्ता रोंगकामुचा गांव की तरफ नहीं जाता है, ये सीधा रास्ता जाता है और ये लेफ्ट साइड वाला रास्ता तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी अभी बना हो आपके कहने पर, मुझे तो ये रास्ता भी माया जाल का ही एक हिस्सा लग रहा है। वर्चस्विनी चटर्जी पर चिढ़ते हुए कहती है, चटर्जी पहले तो तुम ना अपने दिमाग से ये माया जाल वाली बात निकालो, जब तक तुम्हारे दिमाग में माया जाल चलता रहेगा तुम ना ही कुछ और सोच पाओगे ना कर पाओगे, इसलिए इस माया जाल को बाहर निकालो। चटर्जी चुप रहता है। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अपने हाथ से सामने इशारा करते हुए कहती है, और ये सीधे वाले रास्ते पर तो हम कई बार जा चुके हैं ना, क्या हुआ है, हर बार यहीं पर आए हैं ना, तो एक बार ये लेफ्ट साइड वाले रास्ते में जाने में क्या हर्ज है, जाकर देखते हैं ना। चटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, पर मैम। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे टोकते हुए कहती है, चटर्जी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है इस वक्त यहाँ से बाहर निकलने का? चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ अपना मोबाइल निकालते हुए कहता है, हाँ है ना मैम, मैं किसी को अपनी मदद के लिए यहाँ पर बुला लेता हूँ, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी चार्ली को अपनी लोकेशन भेज देता हूँ। इतना कहकर चटर्जी ने मोबाइल की स्क्रीन अनलॉक ही करी थी कि स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा उतर जाता है, वो और मायूस हो जाता है। वर्चस्विनी चटर्जी का उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहती है, नेटवर्क नहीं है ना, मुझे पता था, मैंने अपने मोबाइल में पहले ही देख लिया था। उसी वक्त चटर्जी जब हम बार बार इसी रास्ते पर आ रहे हैं, तुम शायद भूल रहे हो चटर्जी, मैं तुमसे सीनियर हूँ, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है इस लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाने का, अब मैं और देर नहीं कर सकती, चटर्जी मुझे मेरी बेटी तारा से मिलना है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, जल्दी करो। चटर्जी एक बार फिर वर्चस्विनी को समझाते हुए कहता है, पर मैम ये रास्ता अनजान है और मुझे इस रास्ते पर जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर कुछ तो बहुत अजीब चीज है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पर नजर रखा हुआ है, ये बादल जो आसमान में छाए हुए हैं ये भी अजीब लग रहे हैं। वर्चस्विनी चटर्जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, बस बहुत हुआ चटर्जी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी, तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे करने के लिए बोल रही हूँ, इसे तुम मेरा ऑर्डर समझो और जल्दी चलो यहाँ से। चटर्जी जानता था कि वो वर्चस्विनी को नहीं समझा पाएगा और उसे भी इस वक्त लेफ्ट साइड वाले रास्ते पर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, इसलिए वो चुपचाप जिप से दोबारा चालू करता है और उस रास्ते पर जाने लग जाता है। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे, सड़क के दोनों ओर का अंधेरा बढ़ते जा रहा था। आगे बढ़ते हुए ही अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि उन्हें सड़क के दोनों ओर सिवाय घने अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लगने लग गया था जैसे वो किसी सुरंग के अंदर घुस रहे हों। उनकी जिप्सी के अगल बगल ऊपर नीचे हर जगह काला अंधेरा छाया हुआ था। चटर्जी अपने आसपास के अंधेरे को देखते हुए कहता है, मैम मैं कह रहा था ना, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था। वर्चस्विनी हिम्मत करते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो चटर्जी और चुपचाप जिप्सी चलाते रहो, अगर सड़क है तो कहीं ना कहीं तो जाकर खत्म होती होगी ना। चटर्जी धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, इसे आप सड़क कहती है मैम, ये तो मुझे कोई काली सुरंग लग रही है जिसके अंदर हम घुसते ही जा रहे हैं। चटर्जी जिप्सी चलाते रहता है। डर तो वर्चस्विनी को भी लग रहा था, पर उसे अपनी बेटी तारा से मिलना था और तारा से मिलने की तड़प ने ही उसके अंदर के डर को कुछ कम कर दिया था। देखते ही देखते कुछ देर बाद उनकी जिप्सी एक जगह पर आकर रुक भी जाती है। जैसे ही जिप्सी रुकती है, उनके आसपास जो काला अंधेरा छाया हुआ था वो छटने लग जाता है, उन्हें आसपास की चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। जब चटर्जी और वर्चस्विनी दोनों अपनी नजरें सामने करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके ठीक सामने ग्रेवयार्ड कोठी थी जिस पर ढेर सारे काले बादल मंडरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ देर पहले जो काले बादल उनके आसपास थे वो सारे ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर चले गए हों। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मौत मंडरा रही हो। वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहती है, ये क्या, हम ग्रेवयार्ड कोठी कैसे पहुंच गए? चटर्जी डरते हुए कहता है, मैं कह रहा था ना मैम कुछ गड़बड़ है, ये सब उसी काले साई ने किया है, वो चाहता था हम यहाँ पर आए और हम यहाँ पर आ गए, उसके माया जाल में फंस गए।
वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, पर वो काला साया क्यों चाहता था कि हम यहाँ पर आए? चैटर्जी पलट कर कुछ नहीं कहता है, खामोश हो जाता है। उसके पास वर्चस्विनी के सवाल का जवाब नहीं था। अब वर्चस्विनी का डर भी अंदर ही अंदर और बढ़ गया था। चैटर्जी और वर्चस्विनी दोनों ही डरते हुए अपने आसपास देख रहे थे। उनके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। चैटर्जी तुरंत जिप्सी को वापस से चालू करने की कोशिश करता है, पर जिप्सी चालू नहीं होती है, जैसे किसी ने जिप्सी को भी अपने वश में कर लिया हो। चैटर्जी जिप्सी चालू करने में लगा ही हुआ था कि तभी वर्चस्विनी को तारा दिखाई देती है, जो कि ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। तारा ने वही पिंक फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें लास्ट टाइम वर्चस्विनी ने उसे देखा था। तारा को ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे पर देखकर वर्चस्विनी की आंखें भर आती हैं। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, तारा मेरी बेटी। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, चैटर्जी तुरंत ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ देखता है और उसे भी दरवाजे पर तारा दिखाई देती है। चैटर्जी तारा को देखते हुए बोल पड़ता है, ये तारा यहाँ पर क्या कर रही है? तारा वर्चस्विनी को देखते हुए वहीं से पुकारते हुए कहती है, मम्मा मम्मा। वर्चस्विनी रोते हुए ही बोलती है, मेरी बच्ची तारा। इतना कहकर वर्चस्विनी तुरंत जिप्सी से नीचे उतरती है और भागते हुए तारा के पास जाने लग जाती है। तारा दरवाजे पर ही खड़ी रहती है और मासूमियत के साथ वर्चस्विनी को देखते हुए मम्मा मम्मा पुकारते रहती है। जब चैटर्जी एक और बार तारा की तरफ देखता है तो उसे तारा तारा की तरह नहीं बल्कि काले साए की तरह नजर आती है। चैटर्जी चीखते हुए कहता है, रुक जाइए वर्चस्विनी मैम, ये एक जाल है। इतना कहकर चैटर्जी हड़बड़ाहट के साथ जिप्सी से नीचे उतरता है और वर्चस्विनी के पीछे भागने लग जाता है। वर्चस्विनी भी अपनी पूरी जान लगाकर तारा की तरफ भाग रही थी। उसे अब सिर्फ तारा दिखाई दे रही थी और उसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो माँ की ममता में बह गई थी। वर्चस्विनी तारा के पास पहुंचने ही वाली थी कि तारा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। चैटर्जी वर्चस्विनी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी तारा के पीछे पीछे ही तारा तारा पुकारते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। और उसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा चैटर्जी के मुंह पर आकर बंद हो जाता है और चैटर्जी दूर जिप्सी के पास फेंका जाता है। चैटर्जी चीखता है, वर्चस्विनी मैम। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। चैटर्जी चीखता है, वर्चस्विनी मैम। चैटर्जी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। उसे ग्रेवयार्ड कोठी धुंधली दिखाई देने लग गई थी। उसकी आंखों के सामने से ग्रेवयार्ड कोठी ओझल होने लग जाती है। चैटर्जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाता है, वो अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त वो हवेली के हॉल में खड़ा हुआ था। वहीं पर योग और उसके परिवार वाले खड़े हुए थे। सभी लोग चैटर्जी की बातें गौर से सुन रहे थे। उसकी बातें सुनकर सभी की रूह कांप गई थी। चैटर्जी अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, जब मैं होश में आया तो उसी जगह पर था जहाँ पर हमारी जिप्सी बार बार आकर रुक रही थी। वो लेफ्ट साइड जाने वाला रास्ता जो हमें ग्रेवयार्ड कोठी ले गया था, वो रास्ता अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उसी वक्त पूरी तरह कन्फर्म हो गया था कि वो काले साए का माया जाल ही था जो उसने अपनी काली शक्तियों से बनाया था, जिसमें वर्चस्विनी मैम फंस चुकी थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने जल्दी से जिप्सी चालू करी और इस बार जब हवेली के रास्ते पर निकला तो सीधे यहाँ पर पहुँच गया। इतना कहकर चैटर्जी चुप हो जाता है। उसके चुप होते ही हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। चैटर्जी की बातें सुनकर सबके होश तो उड़े ही थे, साथ में बोलती भी बंद हो गई थी। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ चैटर्जी पर आरोप लगाते हुए गुस्से के साथ बोल पड़ता है, ये झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। युग कछुए को समझाते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है कछुए, तू होश में तो है, इस तरह चैटर्जी जी पर इल्जाम क्यों लगा रहा है? कछुआ अपनी बात पर अटिक रहते हुए कहता है, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ युग, और मैं इस चैटर्जी पर एकदम सही इल्जाम लगा रहा हूँ। इस चैटर्जी ने ही कुछ किया है, ये जानबूझकर मेरी वर्चू को उस काले साए के पास ले गया है, वरना इन्हें शाम को निकलने की जरूरत ही क्या थी, जिस वक्त तूने बताया था उसी वक्त निकल जाते सुबह सुबह। चैटर्जी अपने निर्दोष होने की गवाही देते हुए कहता है, मैंने फोन पर बताया तो था कि वर्चस्विनी मैम के कुछ टेस्ट बचे हुए थे, ऐसे ही बिना डॉक्टर की इजाजत के मैं उन्हें कैसे ले आता, और उन्हें कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? और वैसे भी जितनी तुम लोगों को वर्चस्विनी मैम की फिक्र है उतनी ही मुझे भी है, मैं भला उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, जानबूझकर उस काले साए के पास क्यों ले जाऊंगा? कछुआ चैटर्जी को घूरते हुए तुरंत दहाड़ते हुए बोल पड़ता है, क्योंकि तू उस काले साए के साथ मिला हुआ है, उसने तेरे ऊपर जरूर कुछ किया है, मैं सब समझ रहा हूँ, वरना तू ही बता,
उस काले साए ने तुझे कुछ क्यों नहीं किया, तुझे क्यों छोड़ दिया? कछुए के सवालों ने सबको चटर्जी पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया था। चटर्जी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। कछुआ चटर्जी की आंखों में झांकते हुए कहता है, तुझे कैसे कुछ पता होगा चटर्जी, तू उस काले साए के साथ मिला हुआ जो है। युग पुरानी बातें याद करते हुए बड़बड़ा पड़ता है, चटर्जी पिछली बार जब तुम अपने चार साथियों के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में घुसे थे तो उस काले साए ने तुम्हारी चारों साथियों की बलि चढ़ा दी थी ना, लेकिन तुम्हारी नहीं चढ़ाई थी, तुम वहां से भाग आए थे, भाग के आए थे, उसने तुम्हें जाने दिया था। जैसे ही योग ये वाली बात बोलता है, अब सिर्फ कछुआ ही नहीं बल्कि कमरे के अंदर मौजूद सभी लोग चटर्जी को शक की निगाहों से देखने लग जाते हैं। सभी लोगों को लगने लग जाता है कि चटर्जी उस काले साए के साथ मिला हुआ है। सभी लोग एकटक नजर से चटर्जी को ही घूरे जा रहे थे। चटर्जी वहां पर मौजूद सभी लोगों को बारी बारी देखते हुए कहता है, तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं उस काले साए के साथ नहीं मिला हुआ हूँ। कोई चटर्जी के पक्ष में कुछ बोलता उससे पहले ही कछुआ चटर्जी की बातों को नकारते हुए कहता है, इसकी बातों में मत आना तुम लोग, ये चटर्जी बहुत शातिर है, ये हमारे साथ खेल रहा है, ये सब उस काले साए और इस चटर्जी की ही मिली भगत, ये उस काले साए के साथ मिला हुआ है। चटर्जी भी गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं उस काले साए के साथ नहीं मिला हुआ हूँ, कितनी बार बोलूं मैं ये बात। कछुआ भी चटर्जी का गुस्सा देखकर खामोश नहीं होता है बल्कि उससे और ज्यादा गुस्से में बोल पड़ता है, अगर तू उस काले साए के साथ नहीं मिला हुआ है तो तू अपने साथ मेरी वर्चू को क्यों नहीं लाया, उसे वहां अकेला छोड़कर क्यों आ गया, उस काले साए ने तुझे क्यों जाने दिया, हर बार वो तुझे क्यों छोड़ देता है तू बताएगा। चटर्जी खामोश रहता है, इस बार वो पलट कर कुछ जवाब नहीं देता है। सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि हर बार काला साया उसे क्यों छोड़ देता था, उसे क्यों एक खरोच तक नहीं पहुंचाता है। चटर्जी भी इन सब के बारे में सोचने लग गया था, इन सवालों के जवाब वहां पर मौजूद किसी के पास नहीं थे। सब लोग चटर्जी को बस शक की निगाहों से देखे जा रहे थे। जैसे जैसे कछुआ चटर्जी को देखे जा रहा था उसके अंदर का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वर्चस्विनी की फिक्र ने उसके अंदर गुस्से का रूप ले लिया था और उस गुस्से में वो भूल जाता है कि चटर्जी एक पुलिस वाला है। प्यार में आशिक ऐसे ही पागल हो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं, उनके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती है। और आज वर्चस्विनी के लिए कछुआ भी चटर्जी का ओहदा भूल गया था। अगले ही पल कछुआ चटर्जी की कॉलर पकड़ते हुए कहता है, बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, तू क्यों उसे वहां पर ले गया था। चटर्जी अपना कॉलर कछुए की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया कछुआ, छोड़ मुझे। कछुआ चटर्जी का कॉलर पकड़ा ही हुआ था कि तभी कछुए की नजर चटर्जी की शर्ट पर पड़ती है और वो देखता है कि उसका शर्ट खून से भीगा हुआ था। कछुआ घबराते हुए कुछ डरते हुए कहता है, ये खून कैसा है, कहीं ये मेरी वर्चू का खून तो नहीं, बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, क्या किया मेरी वर्चू के साथ। चटर्जी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, मैंने वर्चस्विनी मैम के साथ कुछ नहीं किया कछुआ, ये खून वर्चस्विनी मैम का नहीं है, वो तो मैं यहाँ आ रहा था तो बारिश होने लगी और वो कोई ऐसी वैसी बारिश नहीं थी, खून की बारिश थी, मेरी बात का यकीन कर, ये उसी बारिश का खून मेरी शर्ट पर लगा हुआ है। चटर्जी के सच कहने पर भी कछुए को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, वो चटर्जी का कॉलर पकड़े रहता है और बार बार उससे चीखते हुए पूछते रहता है, बोल तूने मेरी वर्चू के साथ क्या किया, क्या किया तूने मेरी वर्चू के साथ। चटर्जी बार बार अपना कॉलर छुड़ाते हुए अपने बेगुनाह होने की गवाही दे रहा था पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, सब चटर्जी को ही दोषी समझने लग गए थे। कछुए ने और कसकर अपनी पकड़ चटर्जी के ऊपर जमा ली थी। मामला ज्यादा बिगड़ता उससे पहले ही अभिमन्यु उन दोनों के बीच आ जाता है और उन दोनों को छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ कछुए, ये तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या। अभिमन्यु को ही देखकर युग और कायर भी उसकी मदद करने आ जाते हैं और कछुए को चटर्जी से दूर करने लग जाते हैं। कछुए को अभिमन्यु और कायर ने पकड़ कर रखा हुआ था तो चटर्जी को युग ने पकड़ कर रखा हुआ था। कछुआ अपने आप को अभिमन्यु और कायर की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ो छोड़ो मुझे, आज मैं इस चटर्जी को छोड़ूंगा नहीं, यही मेरी वर्चू को उस काले साए के पास ले गया था, इसी ने सब कुछ किया है। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है, ये तो क्या बोल रहा है कछुए, तू पागल हो गया है क्या। कछुआ पलट कर कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं इस चटर्जी को आज छोड़ने वाला नहीं हूँ, उस काले साए ने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो क्या हो गया, पर आज मैं इसकी बलि जरूर चढ़ाऊंगा। कछुए को इतने गुस्से में देखकर एक पल के लिए कायर भी डर गया था, उसने कछुए को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था, वो वर्चस्विनी की फिक्र में सच में पागल हो गया था, उसके सिर पर चटर्जी को मारने का जुनून सवार था, वो वर्चस्विनी का आरोपी चटर्जी को ही मान रहा था। अभिमन्यु और कायर और कसकर कछुए को पकड़ लेते हैं ताकि वो चटर्जी को कुछ न कर पाए। कछुआ कुछ गलत कदम उठाता उससे पहले ही युग चटर्जी का पक्ष लेता है। युग कछुए को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, चटर्जी ने कुछ नहीं किया है कछुआ, ये सच कह रहा है। कछुआ युग को घूरते हुए कहता है, तू कैसा दोस्त है युग, ये चटर्जी मेरी वर्चू को उस काले साई के हवाले करके आ गया और तब भी तू उसका साथ दे रहा है, मेरा दोस्त होकर, तू मेरा दोस्त है या इसका।
यू कछुए को नर्म लहजे में ही अच्छे से समझाते हुए कहता है, कछुआ बात यहाँ साथ देने या दोस्ती निभाने की नहीं है, बात है सच और झूठ की, और जब भी मुझे सच और झूठ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो मैं दोस्ती को छोड़कर सच को चुनूंगा। कछुआ युग को देखते हुए कहता है, मतलब तू ये कहना चाहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ और ये चटर्जी सच बोल रहा है, तुझे उसकी बातों पर यकीन है लेकिन मेरी नहीं। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ कछुआ चटर्जी सच कह रहा है, वो उस काले साय के साथ मिला हुआ नहीं है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, सब उस काले साय ने किया है, ये सब उसकी साजिश है। कछुआ युग से पूछता है, तो इतने दावे के साथ कैसे कह सकता है युग कि चटर्जी सच कह रहा है? युग चटर्जी पर से आरोप हटाते हुए कहता है, अगर चटर्जी ने सब कुछ जानबूझकर किया होता ना कछुआ, तो वो यहाँ पर कभी नहीं आता। तू ही जरा सोच कर देख, अगर चटर्जी काले साय के साथ मिला होता और उसका काम वर्चस्विनी को उस काले साय के पास ले जाना होता, तो चटर्जी का काम तो वहीं पर खत्म हो गया था ना, जब वो वर्चस्विनी को उस काले साय के पास ले गया था, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आता, क्यों हमें बताता कि उस काले साय ने वर्चस्विनी को अपने माया जाल में फंसा लिया है? युग के कहने पर कछुआ भी इस बारे में सोचने लग गया था, उसका गुस्सा शांत होने लग गया था। युग अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, चटर्जी यहाँ पर आया क्योंकि उसे हमारी मदद की जरूरत थी, वो जानता था कि हम ही कुछ कर सकते हैं, और तू है कि उसकी बातों पर यकीन करने की जगह उल्टा उसी पर शक कर रहा है, उसी पर इल्जाम लगा रहा है, तो कैसे ये बात भूल सकता है कि चटर्जी की वजह से ही हम उस झरने तक पहुंचे थे? अगर चटर्जी वो अपराजिता का पेड़ नहीं ढूंढता तो हम कभी उस झरने तक नहीं पहुंच पाते, ना ही यामिनी को उसका शरीर मिलता। युग की बातों से अब कछुआ भी सहमत होने लग गया था, पर चटर्जी के खिलाफ उसके मन में एक सवाल ऐसा था जो उसे ये सच्चाई कबूल नहीं करने दे रहा था। वही सवाल उसके मन में बार बार घूम रहा था जो उसे परेशान कर रहा था। अगले ही पल कछुआ वो सवाल युग से पूछते हुए कहता है, युग मैं तेरी सारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। युग झट से पूछता है, कैसा सवाल कछुआ? कछुआ जवाब देता है, यही कि वो काला साया कभी इस चटर्जी को कुछ क्यों नहीं करता है, उसने उस दिन इसकी बलि क्यों नहीं चढ़ाई। युग के समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे, और ये बात अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखकर महसूस कर ली थी, इसलिए युग की तरफ से अभिमन्यु जवाब देते हुए कहता है, तेरे इस सवाल का जवाब कछुए तुझे वो काला साया ही दे सकता है कि आखिर उसने चटर्जी की बलि क्यों नहीं चढ़ाई, और वैसे भी ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है कछुए, क्या तुझे जरा सी भी इस बात की चिंता है कि आखिर उस काले साय को वर्चस्विनी जी की क्या जरूरत पड़ गई? उस काले साय ने वर्चस्विनी जी को अपने माया जाल में क्यों फंसाया, क्यों ग्रेवयार्ड कोठी में बुलाया? डायना भी कुछ सोचते हुए कहती है, वो काला साया तो वैसे ही काफी शक्तिशाली है, उसे भला वर्चस्विनी की क्या जरूरत पड़ गई? वर्चस्विनी के पास तो कोई शक्ति भी नहीं है, उसे पहले अनुराग अंकल का शरीर चाहिए था और अब वर्चस्विनी पर, आखिर क्यों, आखिर वो करना क्या चाहता है? अभिमन्यु और डायना के सवालों ने सबको वर्चस्विनी की चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया था, सबको टेंशन में डाल दिया था, और इस वक्त कोई सबसे ज्यादा डरी और घबराई हुई थी तो वो तारा थी। वो इतना घबरा गई थी कि कुछ बोल तक नहीं पा रही थी, बस डरे डरे सबकी बातें सुनते जा रही थी। वंदना और अमोदिता भी अब उन सबकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। कछुआ वर्चस्विनी की फिक्र करते हुए घबराते हुए कहता है, हमें कुछ करना होगा, मेरी वर्चू को बचाना होगा, मैं उसे उस काले साय के पास नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बचाने जाऊंगा। ब्लड मून की घटना घटने के कुछ घंटे पहले वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ भागते हुए जा रही थी और चटर्जी उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे भागे जा रहा था। चटर्जी वर्चस्विनी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। जैसे ही वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है, ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा अपने आप फटाक से बंद हो जाता है। जब वर्चस्विनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, इतना अंधेरा कि उस अंधेरे में वर्चस्विनी को उसके हाथ पैर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वर्चस्विनी डरते हुए तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा मेरी बच्ची, तारा कहाँ हो तुम मेरी बच्ची? ग्रेवयार्ड कोठी सुनसान होने के कारण वर्चस्विनी की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग गई थी। वर्चस्विनी अंधेरे में ही अपने कदम आगे बढ़ाते हुए तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा तारा। तभी एक डरावनी आवाज वर्चस्विनी को सुनाई देती है, तारा नहीं साया, मौत का साया। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तारा नहीं साया, मौत का साया। जैसे ही वर्चस्विनी ये आवाज सुनती है, उसके पैर डर के मारे थरथर कांपने लग जाते हैं। उसके दिमाग में वहां से भागने का ख्याल अभी आया ही था कि उसके आसपास ढेर सारा धुआं जमा होने लग जाता है। वर्चस्विनी अपने हाथों से उस धुएं को अपने पास से हटाते हुए कहती है, ये
धुआं, ये धुआं कैसा फैल रहा है? जैसे ही उस धुएं की महक वर्चस्विनी की नाक में पड़ती है, वर्चस्विनी का सिर घूमने लग जाता है और वो धड़ाम से फर्श पर गिरते हुए बेहोश हो जाती है। वर्चस्विनी के फर्श पर गिरते ही काले साए की हंसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। कुछ देर बाद जब वर्चस्विनी अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। वर्चस्विनी के हाथ पैर काली रस्सी से बंधे हुए थे। वो रस्सी दिखने में ऐसी लग रही थी जैसे उस रस्सी को काले धुएं से बनाया गया हो, जिनमें अभी भी गोल गोल मूवमेंट हो रहा था। वो वर्चस्विनी के हाथ में ही घूमे जा रही थी, पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वर्चस्विनी अपने हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वर्चस्विनी खड़ी हुई थी, उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। कमरे के अंदर अंधेरा नहीं था, पीली रोशनी जैसे लालटेन और मशाल में से निकलती है, वही पीली रोशनी पूरे कमरे के अंदर फैली हुई थी। वर्चस्विनी जिस कमरे के अंदर मौजूद थी, जब उस कमरे के आसपास अपनी नजरें घुमाती है तो उसे वो कमरा जाना पहचाना लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उस कमरे के अंदर वो कई बार तारा के साथ आ चुकी थी। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये तो रूम नंबर 666 है, वही कमरा जिसमें यक्षिणी को कैद किया गया था। पर इस कमरे में तो बहुत सारी किताबें जमी हुई थी रैकों पर, वो किताबें कहाँ गई? और उस काले साए ने मुझे इस कमरे के अंदर ऐसे बांध कर क्यों रखा है? वो काला साया करना क्या चाहता है? वो है कहाँ पर? वर्चस्विनी के दिमाग में इस वक्त कई सारे सवाल घूम रहे थे। उन्हीं सब सवालों के बारे में सोचते हुए वर्चस्विनी पूरे कमरे के अंदर अपनी नजरें दौड़ाए जा रही थी। वर्चस्विनी कमरे के हर कोने में देखी रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है। फर्श पर नजर पड़ते ही उसे उसके कुछ सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। फर्श पर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर का डर और बढ़ जाता है और डर के कारण वो कांपने लग जाती है। फर्श पर कोई और नहीं बल्कि वो काला साया मौजूद था, जो वहीं पर पालकी मारकर बैठा हुआ था। काले धुएं से आदमी के शरीर की बनावट की तरह उसका शरीर बना हुआ था, जिस कारण उसका सिर हाथ पैर सब दिख रहे थे, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। बस बड़ी बड़ी दो पीली खौफनाक आंखें थी। उस काले साए के सामने ही ताबूत रखा हुआ था, वही ताबूत जिसके अंदर अनुराग का शरीर रखा हुआ था। वो काला साया फर्श पर बैठे बैठे मंत्र बड़बड़ाते हुए कहता है, ओहम ह्रीम क्लीम ऐम आसुरी रक्त वास से अघोर अघोर कर्म कर के अदृश्य दृश्य तरम दृश्य तरम, ओहम ह्रीम क्लीम ऐम आसुरी रक्त वास से अघोर अघोर कर्म कर के अदृश्य दृश्य तरम दृश्य तरम। वो काला साया बार बार यही मंत्र दोहराए जा रहा था। जैसे ही उसका मंत्र जाप पूरा होता है, देखते ही देखते फर्श पर बड़ा सा आंख का निशान दिखाई देने लग जाता है। वो आंख का निशान इतना बड़ा था कि उसने कमरे का आधे से ज्यादा हिस्सा घेर लिया था। उस आंख के निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से उसी फर्श पर मौजूद हो, पर मंत्रों की शक्ति से उसे अदृश्य करके रखा गया हो। उस आंख के निशान के बीचों बीच जो पुतली थी वो लाल दिखाई दे रही थी। उस बड़ी सी पुतली के अंदर खून जमा हुआ था जो कि सूख गया था। उस आंख की पुतली के अंदर चटर्जी के चार साथियों का ही खून जमा हुआ था, जिनकी उस दिन उस काले साए ने बलि दी थी, जो उनके शरीर से निकलकर आंख की पुतली में आकर ठहर गया था। अब वो खून सूख चुका था। उस आंख के निशान और खून से जमी हुई पुतली को देखकर वर्चस्विनी की रूह कांप गई थी। अब वो और ज्यादा डरने लग गई थी। वो काला साया बार बार एक नजर आंख की पुतली की तरफ मार रहा था तो दूसरी नजर खिड़की की तरफ मार रहा था, जहाँ से सफेद चांद दिखाई दे रहा था। चांद को बड़े बड़े काले बादलों ने घेर कर रखा हुआ था। वो काला साया अपना मुंह खिड़की की तरफ ही करके फर्श पर बैठा हुआ था। उस काले साए को देखकर ये बात साफ समझ आ रही थी कि वो किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वर्चस्विनी खड़े खड़े ही अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था, जिस कारण आहट होने लग जाती है और वो काला साया उस आहट को महसूस कर लेता है। वो काला साया अपनी नजरें ऊपर करते हुए वर्चस्विनी को घूरते हुए कहता है, तो होश आ गया वर्चू? तुझे क्या लगा तू यहाँ से बचकर भाग जाएगी? मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। मैं जब चाहूँ जिसे चाहूँ यहाँ पर बुला सकता हूँ और उसे यहाँ पर आना ही होगा। ये मेरी कहानी है, मेरी। वर्चस्विनी पलट कर कुछ नहीं कहती है, बस डरी डरी सहमी हुई सी उस काले साए को देखती रहती है। काला साया चांद की तरफ गौर से देखते हुए कहता है, अभी तो काफी वक्त है, तुझे इतनी जल्दी होश में नहीं आना चाहिए था। अभी तेरा काम नहीं है, तेरा काम तो बाद में है, जब तक क्या करें हम? वो काला साया वर्चस्विनी की तरफ वासना भरी नजरों से देखते हुए कहता है, वही करें जो एक मर्द और औरत अक्सर अकेले में करते हैं। ये बात सुनते ही वर्चस्विनी और ज्यादा डरने लग जाती है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाती है पर नहीं छुड़ा पाती है। वो काला साया वर्चस्विनी के उभरे बदन को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए कहता है, तेरा बदन कितना मनमोहक है, ये तो मेरे बनाए माया जाल से भी बड़ा माया जाल है जिसमें हर मर्द फंस जाता है। वो प्यास जो उस रात अधूरी रह गई थी तारा की वजह से, उसे आज मिटा देता हूँ, अभी मसल देता हूँ तुझे। डर के कारण वर्चस्विनी के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदे आने लग जाती है। उसका बदन पसीने से भीग जाता है। उसका पसीने से भीगा हुआ चुस्त बदन उस काले साए को अपनी तरफ और आकर्षित करने लग जाता है। वो काला साया वर्चस्विनी के पास जाते हुए कहता है, डर मत, आज हम वो काम नहीं करेंगे,
आज तो मैं तुझे दूसरे काम से लेकर आया हूँ। वर्चस्विनी कुछ हिम्मत के साथ डरते हुए कहती है, कैसा काम? काला साया बात को घुमाते हुए जवाब देता है, वो काम जो सालों से अधूरा है, अगर युग ना होता तो वो काम मैं पूरा ही नहीं कर पाता, पर आज उसकी बदौलत वो काम पूरा होगा। वर्चस्विनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो काला साया किस काम की बात कर रहा था, आज रात युग की बदौलत उसका क्या काम होने वाला था। अगले ही पल वर्चस्विनी के मन में तारा का ख्याल आता है, उसे तारा की फिक्र होने लग जाती है। वर्चस्विनी को लगने लग जाता है कि अगर वो यहाँ पर है तो तारा भी यहीं पर होगी। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, तारा मेरी बच्ची, तारा कहाँ पर है? काला साया जवाब देता है, तारा यहाँ पर नहीं है, वो तो उनके पास है और तू मेरे पास। तुझे तारा की याद आ रही है ना? पर तू फिक्र मत कर, तारा भी बहुत जल्द हमारे पास होगी। मुझे तारा की जरूरत है और तारा को तेरी। वर्चस्विनी को याद आता है बेहोश होने से पहले आखिरी वक्त में चैटर्जी भी उसके साथ था, जो उसके पीछे तारा का नाम पुकारते हुए भाग रहा था। वर्चस्विनी अपने आसपास चैटर्जी को ढूंढते हुए कहती है, चैटर्जी चैटर्जी वो कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? काला साया वर्चस्विनी के साथ एक नई साजिश रचते हुए कहता है, ये खून देख रही है जमा हुआ, ये तेरे उस चैटर्जी का ही खून है। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात सुनती है रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने चैटर्जी को मार दिया, नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं। वो काला साया हंसते हुए कहता है, रो मत वर्चू, अभी रोने का वक्त नहीं आया है, चैटर्जी जिंदा है। रोना तो तुझे तब है जब मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मरने वाले हैं। उस काले साये की बात सुनकर वर्चस्विनी और डर जाती है, उसने अपनी निगाहें फर्श पर पुतली के अंदर जो खून जमा हुआ था उसी पर टिकाई हुई थी। वर्चस्विनी को लग रहा था काला साया अभी भी उससे झूठ बोल रहा है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखकर ये बात समझ जाता है और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, डरो मत वर्चू, ये खून चैटर्जी का नहीं है बल्कि उसके चार साथियों का है, वही चार साथी जो मोनिका के कातिल की तलाश में यहाँ तक आ गए थे। उन्हें क्या पता था वो मोनिका के कातिल की नहीं बल्कि अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं। वर्चस्विनी काले साये की बात गौर से सुनती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। काला साया आगे कहता है, अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए मुझे बलि की जरूरत थी और उस दिन बलि के बकरे खुद मेरे पास चलते हुए ग्रेवयार्ड कोठी में आ गए, तो मैं क्या करता, मार दिया मैंने एक ही झटके में चैटर्जी के उन चारों साथियों को, हलाल कर दिया उन्हें। मैं तो उसी वक्त चैटर्जी की भी बलि चढ़ाने वाला था, लेकिन इतना कहकर काला साया खुद चुप हो जाता है। उसकी पीली आंखों में वो पल गुजरने लग जाता है जब वो चैटर्जी को मारने वाला था पर किसी वजह से नहीं मार पाया, जिस बात का अफसोस उसे आज तक था। वर्चस्विनी बड़ी हिम्मत करके हिचकिचाते हुए कहती है, लेकिन क्या? वो काला साया गुस्से के साथ कहता है, मैं उसकी बलि नहीं चढ़ा पाया। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ अगले ही पल पूछ बैठती है, बलि नहीं चढ़ा पाए पर क्यों? काला साया और ज्यादा गुस्से के साथ बोल पड़ता है, क्योंकि वो साला खंडित है। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए कहती है, खंडित है मतलब? काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुझे चैटर्जी के बारे में नहीं पता क्या? वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, क्या नहीं पता? जब काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखता है तो समझ जाता है कि उसे चैटर्जी के बारे में कुछ नहीं पता है। काला साया अगले ही पल हंसते हुए कहता है, तुझे तो चैटर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कैसी पुलिस वाली है तू? एक पुलिस वाली होकर तुझे दूसरे पुलिस वाले के बारे में कुछ पता नहीं है? वो खंडित है, खंडित है साला। वर्चस्विनी को उस काले साये की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि वो काला साया उससे क्या कह रहा था, उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। काला साया वर्चस्विनी के साथ खेलते हुए कहता है, तू कहानी सुनेगी? मुझे ना कहानी सुनने और सुनाने का बड़ा शौक है। वर्चस्विनी खामोश रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। अगले ही पल वो काला साया डरावनी आवाज में गुस्से के साथ बोल पड़ता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुझसे, बोल कहानी सुनेगी? वर्चस्विनी हकलाते हुए कहती है, कैसी कैसी कहानी? काला साया बनावटी आवाज में कहता है, चैटर्जी के खंडित होने की कहानी। वर्चस्विनी और ज्यादा डर गई थी और वो डर उसकी आंखों में देखकर साफ समझ आ रहा था। जैसे जैसे वर्चस्विनी डरती जा रही थी काले साये की हंसी बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस काले साये को वर्चस्विनी को डराने में बहुत मजा आ रहा था। काला साया फिर वर्चस्विनी से पूछता है, जानना चाहती है चैटर्जी खंडित कैसे हुआ, उसके खंडित होने की कहानी क्या है? वर्चस्विनी कहती कुछ नहीं, बस डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तू ये तो जानती है कि चैटर्जी जात से बंगाली है, लेकिन क्या तू ये जानती है कि चैटर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वर्चस्विनी खामोश रहती है, पर उसकी खामोशी ने काले साये को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। वर्चस्विनी नहीं जानती थी कि चैटर्जी का जन्म कहाँ हुआ था। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, चैटर्जी बंगाली है और तू तो जानती है कुछ बंगाली असम में भी बसे हैं, और चैटर्जी का जन्म भी असम के ही एक गांव में हुआ था। जानती है कौन सा गांव? वर्चस्विनी धीरे से पूछती है, कौन सा गांव?
काला साया फुसफुसाते हुए कहता है, मायूंग मायूंग गांव। वर्चस्विनी जैसे ही काले साये के मुंह से मायूंग गांव का नाम सुनती है, उसकी रूह कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उतना डर उसे तब नहीं लगा था जब उसने काले साये को देखा था, जितना डर उसे ये जानकर हो रहा था कि चटर्जी का जन्म मायूंग गांव में हुआ था। मायूंग गांव गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। कहते हैं कि संपूर्ण भारत में काले जादू का विस्तार इसी गांव से हुआ था। काले जादू का जन्म इसी गांव से माना जाता है। प्राचीन काल में इस गांव को काले जादू की धुरी के नाम से जाना जाता था। वर्चस्विनी डरते हुए हकलाते हुए कहती है, ये तो वही गांव है जहां पर एक बार मैं एक केस के सिलसिले में गई थी। अब ये गांव जादूगरों तांत्रिकों की बस्ती है, जहां हर घर में हर कोई काले जादू के बारे में जानता है। सिर्फ जानता नहीं बल्कि मानता है, करता है। काला साया हंसते हुए कहता है, हाँ वर्चू, मैं उसी मायूंग गांव की बात कर रहा हूँ जिसे पौराणिक काल में मायांग कहते थे। वही मायांग जहाँ से घटोत्कच ने कई जादुई शक्तियाँ हासिल करी थी, तब जाकर उसने महाभारत की लड़ाई में हिस्सा लिया था। इसी मायूंग गांव में चटर्जी का जन्म हुआ है। जिस तरह मायूंग शब्द संस्कृत के माया शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है भ्रम, उसी तरह चटर्जी ने तुम सबको भी एक भ्रम में रखा हुआ है। वर्चस्विनी काले साये को एकटक से देखते हुए पूछती है, कैसा भ्रम? तुम किस भ्रम की बात कर रहे हो? काला साया हंसते रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी फिर पूछती है, बोलो कैसा भ्रम? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। वर्चस्विनी फिर पूछती है, बोलो कैसा भ्रम? काला साया चालाकी के साथ कहता है, तुझे देखकर लगता है तुझे कुछ पता ही नहीं है, लगता है सब कुछ मुझे ही बताना होगा। तू ये तो जान गई कि चटर्जी का जन्म मायूंग गांव में हुआ था, लेकिन क्या तू ये जानती है कि चटर्जी का बाप कौन है, उसका जन्म किस घर में हुआ था? वर्चस्विनी खामोश रहती है, क्योंकि उसे चटर्जी के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी नहीं। वर्चस्विनी उस काले साये से धीरे से पूछती है, किस घर में? काला साया जवाब देता है, मायूंग गांव के सबसे बड़े पंडित शोभांग चटर्जी के घर, जो दिन में तो पूजा पाठ अर्चना का काम करता था, पर रात में वो काले कांड करता था, जिसके बारे में सोचकर ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। दिन में वो लोगों के लिए पंडित था, पर रात होते ही वो तांत्रिक का चोला ओढ़ लेता था, अपनी तांत्रिक क्रियाओं को अंजाम देने के लिए कई टोने टोटके करता था। उन टोने टोटके की उपज ही वो चटर्जी है, उसने भी अपने बाप की तरह एक चोला ओढ़ कर रखा हुआ है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ काले साई को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा तूने चटर्जी? टोने टोटके की उपज है मतलब? काला साया कहता है, वो चटर्जी है ना, उसके बाप ने उसकी माँ के ऊपर कई टोने किए थे, तब जाकर वो गर्भ से हो पाई थी, वरना उसकी कोख तो सुनी पड़ी हुई थी। कई जादू टोने बलिया दी थी उस चटर्जी के बाप ने, तब जाकर उस चटर्जी का जन्म हुआ था। जन्म देते वक्त ही उसकी माँ चल बसी थी, बचपन से ही उसे उसके बाप ने ही पाला था। दिन में तो उसका बाप उसे पूजा पाठ शास्त्रों का ज्ञान देता था, पर रात होते ही उसे वो काला जादू सिखाता था, जिससे वो दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता था। जितना उसका बाप उसे काले जादू के बारे में बताता था, उससे कहीं ज्यादा वो उसे शास्त्रों पुराणों के बारे में बताता था। कहता था शास्त्रों का ज्ञान जरूरी है, शास्त्रों के ज्ञान से ही देवों को हराया जा सकता है, शास्त्रों को पढ़कर ही उनकी कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, वर्चस्विनी को याद आता है कि चटर्जी हमेशा उससे कहता था कि उसे पूजा पाठ उसके पिता ने ही सिखाया है। चटर्जी वर्चस्विनी को वक्त वक्त पर शास्त्रों से जुड़ी बातें बताया करता था। कई बार उसने ऐसी बातों का जिक्र किया था जिसके बारे में चार्ली को भी पता नहीं होता था। अब वर्चस्विनी को काले साये की बातों पर भरोसा होने लग गया था, यकीन होने लग गया था कि वो काला साया चटर्जी के बारे में जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। काला साया चटर्जी की कहानी आगे जारी रखते हुए कहता है, इस पृथ्वी लोक में हर कोई एक चीज का दीवाना है, जानती है किसका? वर्चस्विनी कहती है, किसका? काला साया जवाब देता है, धन दौलत ऐशो आराम का, शक्तियों का, और इस धन दौलत का दीवाना ही उस चटर्जी का बाप था। काले जादू से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, और ये बात चटर्जी का बाप भी जानता था, इसलिए उसने उसकी साधना करी। वर्चस्विनी तुरंत उस काले साये से पूछती है, उसकी साधना करी? उसकी किसकी साधना करी थी उसने? काला साया फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी की। इतना कहकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, यक्षिणी की? काला साया अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी की, कुबेर का नाम सुना है तूने?
वर्चस्विनी कुबेर जी के बारे में याद करने लग जाती है और उसे याद आता है कि कुबेर देवता के बारे में एक बार चटर्जी ने ही उसे बताया था जब यक्षिणी का जिक्र निकला था। वर्चस्विनी चटर्जी की बातों को याद करते हुए कहती है, कुबेर देवता वही जो धन के देवता है। काला साया कहता है, हाँ वही कुबेर, उसके धन की रक्षा ही यक्ष और यक्षिणी करते हैं। यक्ष यक्षिणी कुबेर के धन के रक्षक हैं और ये बात उस चटर्जी के बाप को अच्छे से पता थी, इसलिए उसने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना की। वर्चस्विनी काले साये को बीच में टोकते हुए कहती है, क्या कहा, उसने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना की, पर क्यों? एक यक्षिणी तो पहले से ही सदियों से पृथ्वी लोक है, उसे दूसरी यक्षिणी की साधना करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो पहली यक्षिणी से भी तो धन दौलत हासिल कर सकता था। वर्चस्विनी की बात सुनकर काला साया जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, ना समझ औरत, वो कामेश्वरी यक्षिणी है जो सदियों पहले पृथ्वी लोक पर आई थी। जिस तरह हर देवी देवता के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, वैसे ही यक्षिणियों के पास भी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। और कामेश्वरी यक्षिणी का क्या काम है वो तो तू अच्छे से ही जानती है। एक स्त्री होकर एक स्त्री के बारे में ऐसी बातें सुनकर वर्चस्विनी का खून खौल जाता है। वो भूल जाती है कि उस वक्त उसके सामने कौन था और वो गुस्से के साथ बोल पड़ती है, उसका काम तेरा काल लाना है, वो तेरा काल है काले साये। काला साया हंसते हुए कहता है, मेरा कोई काल नहीं, मैं ही सबका काल हूँ, इस पूरे पृथ्वी लोक का काल हूँ मैं। वर्चस्विनी खामोश रहती है। काला साया चटर्जी के बाप के बारे में आगे बताते हुए कहता है, उस चटर्जी के बाप ने सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना करी थी, क्योंकि सुर सुंदरी यक्षिणी ही है जो साधक को धन दौलत ऐश्वर्य प्रदान करती है। सुर सुंदरी यक्षिणी उस चटर्जी के बाप को धनवान बना सकती थी जिंदगी भर के लिए। इतना कहकर काला साया खामोश हो जाता है। वर्चस्विनी अगले ही पल बौखलाहट के साथ बोल पड़ती है, फिर क्या हुआ, क्या उसने सुर सुंदरी यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुला लिया? काला साया कुछ जवाब नहीं देता है। वर्चस्विनी फिर काले साये से बोलती है, बोलो बताओ क्या वो कामयाब हो गया? काला साया जवाब देता है, इतना आसान नहीं है यक्षिणी को बुलाना, यक्षिणी साधना सिर्फ एक शख्स पूर्ण कर सकता है और वो भक्षानर है। हमारे अलावा कोई भी यक्षिणी साधना सिद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी यक्षिणी को खुश नहीं कर सकता, न उस लोक से इस लोक बुला सकता है। वर्चस्विनी उस काले साये की बातें गौर से सुनती रहती है। काला साया कुछ गुस्से के साथ कहता है, जिस रात उस चटर्जी का बाप सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना कर रहा था, उस रात कुछ और ही हो गया था। अगर उस रात वो नहीं हुआ होता तो मैं उस चटर्जी को कब का मौत के घाट उतार देता, उस चटर्जी की उसी वक्त बलि चढ़ा देता जब उसके चार साथियों की चढ़ाई थी। वर्चस्विनी तुरंत पूछती है, क्या हुआ था उस रात, ऐसा क्या हुआ था चटर्जी के साथ, क्या वहां पर चटर्जी भी था जब उसके पिता सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना कर रहे थे? काला साया कहता है, हाँ वहां पर चटर्जी भी था, पर साला 10 साल का बच्चा था इसीलिए बच गया, वरना उसके बाप की तरह उसकी भी सांसें वहीं पर थम जाती उस रात। वर्चस्विनी फिर पूछ बैठती है, ऐसा क्या हुआ था उस रात, कौन सी रात थी वो? काला साया कहता है, वो रात दुर्गा अष्टमी की रात थी। तू तो जानती ही होगी वर्चु, यही वो रात होती है जिस रात बंगाल में सबसे ज्यादा जादू टोने किए जाते हैं। उस चटर्जी के बाप ने सुर सुंदरी यक्षिणी साधना करने के लिए दुर्गा अष्टमी की ही रात चुनी थी। चटर्जी का बाप चटर्जी को लेकर बूढ़े मायूंग गया था। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, बूढ़े मायूंग? काला साया कहता है, हाँ बूढ़े मायूंग, जो काले जादू का केंद्र बिंदु है, तू तो वहां पर भी गई थी ना? वर्चस्विनी खामोश रहती है। काला साया वर्चस्विनी की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ तू वहां पर भी गई थी और वहां पर तूने वो तंत्र साधना वाले दो कुंड भी देखे थे, पहला अष्टकुंड जिसमें बौद्ध अपनी तंत्र साधना करते थे और दूसरा योनिकुंड जिसमें हिंदू अपनी तंत्र साधना करते थे। वर्चस्विनी काले साये को घूरते हुए कहती है, तुम्हें कैसे पता मैं वहां पर गई थी और मैंने वो कुंड भी देखे हैं? काला साया हंसते हुए जवाब देता है, ये मेरी कहानी है तो मुझे तो पता ही होगा ना किसने क्या देखा और क्या नहीं, पर अफसोस तू केस के सिलसिले में वहां पर गई पर यही नहीं जान पाई कि तेरा साथी चटर्जी वहीं की पैदाइश है। वर्चस्विनी को उस काले साये का जवाब बिल्कुल समझ नहीं आता है। वर्चस्विनी अगले ही पल पूछ बैठती है, चटर्जी के पिता चटर्जी को बूढ़े मायूंग लेकर क्यों गए थे, वो भी साधना के दिन, वो तो बच्चा था, उसका भला वहां क्या काम था? काला साया कहता है, यही बात अगर उस चटर्जी का बाप सोच लेता तो बेवकूफ आज जिंदा होता, वो मूर्ख चटर्जी को साधना करने के लिए साथ लेकर गया था अपने काम के लिए। वर्चस्विनी पूछती है, कैसा काम? काला साया कहता है, बताता हूँ, सब बताता हूँ, अब तू बस सुनते जा। वर्चस्विनी चुप रहती है। काला साया आगे कहता है, उस चटर्जी का बाप बहुत चालाक था, अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे पता चल गया था कि यक्षिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने सबसे ताकतवर अंग की बलि देनी पड़ती है और भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाने के लिए अपने बाजुओं की बलि दी थी और फिर उस चटर्जी के बाप ने भी वही करने का सोचा, अपने सबसे ताकतवर अंग की बलि देना तय किया।
काला साया खिड़की से चांद की तरफ देखते हुए कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, साधना वैसी ही हो रही थी जैसी होनी चाहिए थी, पर फिर बलि देने की बारी आई और चैटर्जी के बाप ने अपने शरीर के सबसे ताकतवर अंग अपनी जुबान की योनि कुंड में बलि दे दी। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, जुबान की? काला साया कहता है, हाँ जुबान की। चैटर्जी का बाप एक बंगाली तांत्रिक था और उसकी सारी शक्तियाँ उसकी जुबान में थी। बूढ़े मायोंग में दो कुंड है और उन्हीं दो कुंडों के पास बैठकर चैटर्जी का बाप साधना कर रहा था। उसने योनि कुंड में तो अपनी जुबान काट कर चढ़ा दी थी, पर अष्ट कुंड खाली था। दोनों कुंड के पास बैठकर साधना करने से वो एक कुंड को खाली नहीं रख सकता था। उसकी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी चैटर्जी पर नजर पड़ी, और वो जानता था वो उसी का खून है, उसका वंशज है, उसमें भी उसी की तरह का गुण है। इसलिए उसने अष्ट कुंड के अंदर चैटर्जी की जुबान की बलि दे दी थी। लेकिन यही उसने गलती कर दी। बलि हमेशा उसी की स्वीकार की जाती है जो साधक होता है, साधना करता है। और उस रात चैटर्जी सुर सुंदरी यक्षिणी की साधना नहीं कर रहा था, बल्कि उसका बाप कर रहा था। जैसे ही चैटर्जी की जुबान कटकर उस अष्टकुंड में गिरी, उसमें से आग का गोला निकला और उसी आग में जलकर चैटर्जी का बाप भस्म हो गया। काली साई की बात सुनकर वर्चस्विनी के होश उड़ गए। वो अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। कोई अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकता था जिसके लिए उसने इतनी मन्नत करी थी। जब इंसान के अंदर काली शक्तियां पनाह लेती हैं तो उससे सब कुछ करवा लेती हैं, वो भी जो वो नहीं करना चाहता। काला साया गुस्से के साथ कहता है, उस चैटर्जी के चार साथियों की बलि चढ़ाने के बाद जब मैं चैटर्जी की बलि चढ़ाने जा रहा था, तब मेरी नज़र उसकी जुबान पर पड़ी और मैंने उसकी जुबान के नीचे एक काला निशान देखा, वही निशान जो किसी अंग की बलि चढ़ाने के बाद अपने आप शरीर पर आता है। उसे देखकर मैं समझ गया कि इसकी जुबान की बलि चढ़ चुकी है। और जब किसी इंसान के शरीर के एक अंग की बलि चढ़ चुकी होती है तो उसका मतलब होता है उसके पूरे शरीर की बलि चढ़ चुकी है। और हमारी काली दुनिया में जिनकी बलि चढ़ा दी जाती है उनकी बलि दोबारा नहीं चढ़ाई जाती। वो बलि चढ़े इंसान एक प्रकार से खंडित हो चुके होते हैं, और खंडित लोगों की बलि चढ़ाने से वो बलियां जो आप दे चुके हैं वो भी खंडित हो जाती हैं। मैं बाकी की चार बलियों को खंडित नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उस दिन चैटर्जी को जाने दिया, उसकी बलि नहीं चढ़ाई। उसके खंडित होने के कारण ही मैं उसका कुछ नहीं कर पाया, उसे अपने वश में भी नहीं ले पाया। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर चैटर्जी की जुबान की बचपन में ही बलि चढ़ गई थी तो फिर वो बोल कैसे। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही काला साया बोल पड़ता है, तो यही सोच रही है ना कि चैटर्जी बिना जुबान के बोल कैसे सकता है। वर्चस्विनी कहती कुछ नहीं, बस हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। काला साया हंसते हुए कहता है, अगर चैटर्जी का बाप बड़ा पुजारी था तो चैटर्जी उससे भी बड़ा पुजारी था। जैसे ही वर्चस्विनी काले साया के मुंह से ये बात सुनती है, उसके फिर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस रात चैटर्जी के बाप के भस्म होने के बाद चैटर्जी अपनी जुबान कटने के कारण दर्द से तड़प रहा था, बिलक बिलक कर रो रहा था। तभी उसे याद आया वो रात दुर्गा अष्टमी की रात थी, बंगाली पुजारियों के लिए सबसे बड़ी रात। चैटर्जी के बाप ने उसे वो मंत्र बताया था जिससे देवी को प्रसन्न किया जाता था। दुर्गा अष्टमी की रात चैटर्जी ने उसी कुंड के पास बैठकर देवी को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया, और देवी उससे प्रसन्न भी हो गई। और प्रसन्न होने के साथ ही देवी ने उसे एक नई जुबान दे दी, पर उस जुबान के साथ ही देवी ने चैटर्जी से जितनी काली शक्तियां जुड़ी थी सारी छीन ली। तंत्र मंत्र के बारे में उसे कुछ याद नहीं रहा, जैसे उस रात देवी ने उसे फिर से एक नया जीवन दिया हो। वर्चस्वी ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहती है, अगर देवी को प्रसन्न करने का मंत्र था जिससे जुबान वापस आ सकती थी, तो फिर वो चैटर्जी के पापा ने क्यों वो मंत्र यूज नहीं किया? अगर वो मंत्र यूज कर लेते तो उन्हें चैटर्जी की जुबान की बलि ही नहीं देनी पड़ती, ना वो भस्म होते। काला साया हंसते हुए कहता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसे मंत्र तो तब याद आता है ना जब उसके दिमाग से सुर सुंदरी यक्षिणी का जादू उतरता। वो लोभी हो चुका था, उसे बस जल्द से जल्द कैसे भी करके सुर सुंदरी यक्षिणी साधना सिद्ध करनी थी, जिस कारण उसने चैटर्जी की बलि दे दी जल्दबाजी में। वर्चस्वी ने अगले ही पल पूछती है, फिर चैटर्जी के पापा के चले जाने के बाद उसका क्या हुआ? काला साया कहता है, चैटर्जी के सिर के ऊपर से बाप का साया छूट जाने के बाद उसके सिर पर से जादू टोने का साया भी उड़ गया। उसके रिश्तेदार जो दूसरे शहर में रहते थे, उन्होंने चैटर्जी को पाला पोसा बड़ा किया और उसे पुलिस इंस्पेक्टर बनाया, पर उसके सिर से भी यक्षिणी का जादू नहीं उतरा था। यक्षिणी शब्द हर पल उसके दिमाग में घूमता ही रहता था। यक्षिणी है ही ऐसी चीज, एक बार जो उसका नाम सुन ले तो उसका दीवाना हो जाए। और यक्षिणी की आग में वो बंगला मुड़ाया, उसने अपनी पोस्टिंग मेहंदी पथार में कराई। वर्चस्विनी काले साय को घूरते हुए कहती है, मतलब चैटर्जी यहाँ पर यक्षिणी के लिए आया था? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
काले साया को घूरते हुए कहती है, मतलब चैटर्जी यहाँ पर यक्षिणी के लिए आया था। काला साया हंसते हुए कहता है, कौन नहीं आया यहाँ मेहंदी पठार में, जो भी आते हैं सब यक्षिणी से मिलने ही तो आते हैं। तू बता, क्या यक्षिणी के बारे में सुनकर तेरे मन में इच्छा नहीं जागी थी उससे मिलने की? तेरा मन नहीं हो रहा था देवी की तरह सुंदर यक्षिणी को सिर्फ एक बार देखने का? वर्चस्विनी काले साये से अपनी नजरें चुराने लग जाती है। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, नजरें क्या चुराती है, हो रहा था ना तेरा मन भी उस यक्षिणी से मिलने का। जब तूने लोगों से यक्षिणी की खूबसूरती के चर्चे सुने तो तेरा मन भी उससे मिलने के लिए मचलने लगा था ना। तू भी देखना चाहती थी कि वो कौन सी इतनी सुंदर स्त्री है जिसका हर मर्द दीवाना होता है, जिसे सिर्फ एक बार देखने के लिए मर्द उसका शिकार भी बनने के लिए तैयार है। वर्चस्विनी खामोश रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वो जानती थी काला साया जो बोल रहा था एकदम सही बोल रहा था। पर वर्चस्विनी ये सोचकर ज्यादा हैरान थी कि उस काले साये को वो बातें कैसे पता थी जो उसने कभी किसी से भी नहीं कही थी। सब बातें अपने मन में सोची थी, आखिर वो काला साया उसके मन की बात कैसे जानता था। काला साया हंसते हुए कहता है, यक्षिणी का कौन दीवाना नहीं है, मैं भी तो आखिर उसी का दीवाना हूँ। वर्चस्विनी सोच में ही खोई रहती है, वो यही सोचती रहती है कि काला साया आखिर उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। अगले ही पल काला साया गुस्से के साथ कहता है, चटर्जी आया यक्षिणी के लिए ही था, पर उसे उसने भेजा था, उसकी वजह से वो यहाँ पर आया है। इतना चालाक और होशियार चटर्जी उसी के साथ रहकर हुआ है, वरना वो इतना चालाक नहीं था। ये सब उन दोनों ने मिलकर किया है। कमीने साले अब यक्षिणी से मेरे खिलाफ जाने का सोच रहे हैं। वर्चस्विनी काले साये को बीच में टोकते हुए कहती है, तुम किन दोनों की बात कर रहे हो, कौन है वो दोनों? काला साया फुसफुसाते हुए वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पहला है वो खुद चटर्जी। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, और दूसरा, वो दूसरा कौन है जिसने चटर्जी को यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया, जिसके साथ मिलकर वो ये सब कर रहा है? काला साया फुसफुसाते हुए जवाब देता है, और दूसरा है वो। काला साया अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान में निकले सफेद चांद पर पड़ती है, और वो देखता है कि वो चांद लाल होने लग गया था, जो कि संकेत था कि ब्लड मून की रात शुरू हो चुकी थी। वर्चस्विनी काले साये को टोकते हुए कहती है, तुम चुप क्यों हो गए, बताओ कौन है वो दूसरा इंसान? वो काला साया वर्चस्विनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, बल्कि धुएं की तरह उड़ता है और वापस से फर्श पर पालकी मारकर बैठ जाता है, उसी आंख के निशान के पास जो फर्श पर उभरा हुआ था, जिसकी पुतली में खून जमा हुआ था। वर्चस्विनी अपने सवाल पर अडिग रहते हुए कहती है, बताओ कौन है वो? वो काला साया गुस्से के साथ वर्चस्विनी को चुप रहने का इशारा करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख, अब कहानी सुनाने का नहीं बनाने का वक्त है, खून की रात शुरू हो चुकी है, ब्लड मून की रात। काले साये की बात सुनकर वर्चस्विनी के मन में मौत का खौफ बैठ जाता है और वो एकदम चुप हो जाती है। काला साया मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है, उसके मंत्र बड़बड़ाने की आवाज कमरे के अंदर गूंजने लग जाती है। ब्लड मून की रात शुरू हो चुकी थी, चांद सफेद से लाल होने लग गया था, उसकी लाल रोशनी खिड़की से कमरे के अंदर आने लग गई थी। ब्लड मून की लाल रोशनी वो आंख जो फर्श पर उभरी हुई थी उस पर पड़ने लग गई थी। देखते ही देखते चांद पूरी तरह लाल हो जाता है, और उसके लाल होते ही आसमान में छाए काले बादल भी पूरी तरह लाल हो जाते हैं। वो लाल बादल खून से भरे हुए बादलों की तरह दिखने लग जाते हैं। सिर्फ आसमान ही नहीं, जिस कमरे में काला साया बैठा हुआ था उसमें की आंख की पुतली भी पूरी तरह लाल हो गई थी। उसमें से तेज लाल रोशनी निकल रही थी जो पूरे कमरे को लाल कर रही थी। पुतली के अंदर का खून सूखा हुआ था। काला साया मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। वो वर्चस्विनी की तरफ नजरें करके उसके बंधे हाथ की तरफ देखने लग जाता है। वर्चस्विनी देखती है कि उसके हाथ पर धुएं की जो काली रस्सी बंधी हुई थी वो अपने आप खुलने लग गई थी। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि उसका राइट हैंड अपने आप आगे होने लग जाता है, जैसे कोई उस हाथ को खींच रहा हो। वर्चस्विनी घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ। काला साया वर्चस्विनी को तड़पते हुए देख हंसते रहता है, पर कहता कुछ नहीं है। वर्चस्विनी डर के मारे चीखती रहती है, छोड़ दो मुझे मत मारो मुझे। काला साया हंसते हुए कहता है, डर मत, तेरी बलि नहीं चढ़ेगी, तेरा तो खून चढ़ेगा खून। तुझे चखे बिना तुझे कैसे मार दूंगा, पहले सारे काम निपटा लूं, फिर तेरे साथ काम वास्ता निपटाऊंगा। काला साया आंख की पुतली में जमे सूखे खून की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, ताजे खून की एक बूंद ही काफी है बासी खून को फिर से ताजा करने के लिए। इतना कहकर काला साया फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। वर्चस्विनी के हाथ में जहाँ पर कैनुला और सफेद पट्टी बंधी हुई थी वो अपने आप खुलती है, और उसके खुलते ही धुएं से बनी एक कील उसकी हथेली के पीछे आकर खट से चुप जाती है। वर्चस्विनी चीखती है, आह! वर्चस्विनी के हाथ से खून की बूंद निकलती है और वो नीचे गिरने लग जाती है।
वो खून की बूंद नीचे गिरती उससे पहले ही काला साया उस खून की बूंद की तरफ देखता है। उसी वक्त वो खून की बूंद हवा में लटक जाती है। काला साया जैसे अपनी नजरें ऊपर करते जा रहा था, खून की बूंद भी ऊपर हवा में उड़ते जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून की बूंद काले साये के इशारों पर चल रही हो। खून की बूंद हवा में ही उड़ते हुए फर्श पर बनी आग की पुतली के सूखे खून के अंदर गिर जाती है। जैसे ही वर्चस्विनी के खून की बूंद पुतली में पड़े सूखे खून पर गिरती है, बाहर आसमान में तेज बिजली चमकती है और उसी के साथ बारिश होने लग जाती है, खून की बारिश। जैसे जैसे खून की बारिश होते जा रही थी, पुतली के अंदर जो सूखा खून था वो वापस से ताजा होने लग गया था, जैसे अभी किसी इंसान के शरीर में से निकाला हो। खून को वापस से जाते हुए देखकर काला साया मन ही मन खुश होने लग जाता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से इसी चीज का इंतजार कर रहा था। वर्चस्विनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा था। अगले ही पल वो ताबूत जो उस काले साये के पास रखा हुआ था उसके अंदर से पीली रोशनी निकलने लग जाती है और उन चारों निशानों में से भी जो ताबूत के ऊपर बने हुए थे और वो पांचवा निशान जिसे मिटा दिया गया था उसमें से भी हल्की हल्की पीली रोशनी निकलने लग गई थी। उसमें से वैसी ही पीली रोशनी निकल रही थी जैसा पीला रंग काले साये की आंखों में था। बाहर अभी भी खून की बारिश हुई जा रही थी। आंख की पुतली का सूखा खून पूरी तरह गीले खून में तब्दील हो गया था। वो खून पुतली के अंदर ही गोल गोल घूमे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून का बवंडर बन रहा हो। वर्चस्विनी की आंखों में खून का वो बवंडर घूमते हुए दिखाई देने लग गया था। जैसे जैसे खून की बारिश होती जा रही थी, पुतली में खून की मात्रा भी बढ़ती जा रही थी, जैसे बाहर खून की बारिश का खून पुतली में समा रहा हो। 10 मिनट में ही खून की बारिश बंद हो जाती है और बारिश के रुकते ही पुतली में जो खून गोल गोल घूम रहा था वो घूमना बंद कर देता है। पूरा खून एक जगह पर आकर रुक जाता है। काला साया अगले ही पल ताबूत को खोल देता है। उसमें से तेज पीली रोशनी निकलती है जिसे देखकर वर्चस्विनी की आंखें चौंधी आ जाती है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। कुछ देर बाद जब पीली रोशनी कम होती है तो उसे ताबूत के अंदर अनुराग का मृत शरीर दिखाई देता है। अनुराग का बस चेहरा दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा शरीर गीली रेत में दबा हुआ था। काला साया तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना शुरू करता, अनुराग का शरीर ताबूत में से बाहर आने लग जाता है। उसके बदन पर से गीली रेत हटने लग जाती है। अनुराग का शरीर ताबूत में से बाहर आता है तो वर्चस्विनी देखती है कि उसका शरीर पूरी तरह नग्न अवस्था में था। उसके बदन पर एक कपड़ा तक नहीं था, जिसे देखकर वर्चस्विनी अपनी नजरें नीचे करने लग जाती है। उसने अभी अपनी नजरें नीचे करी हुई थी कि उसे एहसास होता है उसकी आंखों ने कोई अजीब चीज देखी हो। वो तुरंत अपनी नजरें ऊपर करती है और नोटिस करती है कि अनुराग का चेहरा तो ठीक दिख रहा था पर बाकी पूरा बदन पीला पड़ गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक भी बूंद ना हो, किसी ने उसके शरीर का सारा खून चूस लिया हो, उसी वजह से उसका शरीर पीला पड़ गया था। अनुराग के घुटने पर अभी भी एक बड़ा सा घाव था जो पुराना था और सूख गया था। उसी घुटने के घाव की वजह से वो लंगड़ा कर चलता था, जिस कारण उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था। काला साया अभी भी मंत्र पढ़े जा रहा था और ग्रेवयार्ड कोठी का हर कमरा उसके मंत्रों के उच्चारण से गूंजने लग गया था। काला साया इतने कसकर मंत्र पढ़े जा रहा था, देखते ही देखते अनुराग का शरीर हवा में उड़ते हुए आंख के निशान के ऊपर आकर रुक जाता है। अनुराग का शरीर कुछ इस तरह वहां पर आकर रुका था कि उस आंख के निशान की पुतली अनुराग के दिल के जस्ट नीचे थी। काला साया अभी भी मंत्र पढ़े जा रहा था। अगले ही पल पुतली में इकट्ठा खून धार का रूप लेकर हवा में ऊपर उठता है और अनुराग के दिल के अंदर घुसने लग जाता है। पुतली का खून अनुराग के दिल से होकर उसके पूरे शरीर में फैलने लग जाता है। जैसे जैसे अनुराग के शरीर में खून जाते जा रहा था, उसका बदन नॉर्मल होते जा रहा था, वो कम पीला दिखने लग गया था। देखते ही देखते पुतली का पूरा खून खाली हो जाता है। उसके अंदर खून की एक बूंद तक नहीं बचती है। सारा खून अनुराग के शरीर के अंदर चला गया था। उसका बदन फिर से चुस्त दिखने लग गया था। काला साया मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। वो फर्श पर से उठता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। वो काला साया एकटक नजर से अनुराग के शरीर को देखने लग जाता है और उसे देखकर खुश होने लग जाता है। जैसे ही वो काला साया अनुराग के शरीर के पास जाता है, अनुराग का जो उल्टा हाथ था उसकी कलाई से पीली रोशनी निकलने लग जाती है। वर्चस्विनी की नजर जब उसके हाथ पर पड़ती है तो देखती है कि वो पीली रोशनी उसकी कलाई के अंदर से एक निश्चित दूरी पर 5 अलग अलग जगहों से निकल रही थी। जब वर्चस्विनी गौर से अनुराग की कलाई की तरफ देखती है तो नोटिस करती है कि उसके हाथों पर कुछ निशान बने हुए थे। वो वैसे ही निशान थे जैसे युग की कलाई पर बने थे। पहला निशान था पानी की बूंद का, दूसरा था आग का, तीसरा था बवंडर का और चौथा था इन्फिनिटी का। युग के हाथ पर भरे ही 4 निशान थे पर अनुराग की कलाई पर 5 निशान थे और वो 5वां निशान था आंख का, जिस निशान को वर्चस्विनी अच्छे से पहचानती थी। ये वैसा ही आंख का निशान था जैसा वर्चस्विनी तारा के हाथ पर बनाने की कोशिश करती थी जब वो काले साये के वश में थी, पर वो निशान बनाने से पहले ही यामिनी योग और उसके दोस्तों ने मिलकर तारा को बचा लिया था।
वर्चस्विनी अनुराग के हाथ पर बने आंख के निशान को देखते हुए मन ही मन सोचने लग जाती है, ये तो वही आंख का निशान है जो उस रात में तारा के हाथ पर बनाने वाली थी। और जब तारा ने मुझसे इस निशान के बारे में पूछा था तो मैंने उस रात तारा को इस निशान के बारे में भी बताया था कि ये निशान किस चीज़ का है। अब क्या बताया था मैंने उस रात तारा को इस निशान के बारे में? अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, क्या बताया था? याद कर वर्चस्विनी, याद कर। वर्चस्विनी अपने दिमाग पर जोर देकर आंख के निशान के बारे में याद करने की कोशिश करने लग जाती है। वर्चस्विनी आंख के निशान के बारे में याद करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो मन ही मन बड़बड़ाती है, इस निशान को तो भक्षानर की आंख कहते हैं, वही आंख जिससे उसकी दुनिया और ये दुनिया एक हो जाती है, यही वो आंख है जो उसकी कारी दुनिया को इस दुनिया से जोड़े रखती है, जिससे वो सब पर नजर रखता है। ये सिर्फ एक आंख नहीं, रास्ता है उसकी काली दुनिया में जाने का। पर ये निशान अनुराग के हाथ पर कैसे आ गया? और ये जो अनुराग की कलाई पर बाकी के चार निशान, ये तो वही निशान है जो मैंने युग की कलाई पर भी कई बार देखे हैं। इसका मतलब युग की कलाई पर ये पांचवा निशान भी आने वाला है जिसके बारे में वो अक्सर बातें किया करते थे। पर आखिर ये सब निशान अनुराग और युग की कलाई पर कर क्या रहे हैं? ये सब चक्कर क्या है? वर्चस्विनी कुछ और सोच समझ पाती है, अपना और दिमाग लगा पाती है, उससे पहले ही काला साया जो एक बलशाली आदमी के शरीर के आकार में था वापस धुएं में बदलता है और अनुराग की कलाई पर जो पांच निशानों में से पीली रोशनी निकल रही थी उन पांचों निशानों के अंदर घुसने लग जाता है। वो काला साया धुएं के जरिए अनुराग के शरीर में जाने लग गया था। देखते ही देखते अनुराग के शरीर में जान आने लग जाती है, उसका पूरा बदन हवा में ही हिलने लग जाता है। वो अपने हाथ पैर जोरों से फड़फड़ाने लग गया था। जैसे ही आसपास का पूरा धुआं अनुराग के शरीर के अंदर चले जाता है उन पांचों निशानों में से पीली रोशनी निकलनी बंद हो जाती है, अनुराग के शरीर में हलचल भी बंद हो जाती है। कमरे के अंदर खामोशी छाई हुई थी कि तभी अगले ही पल अनुराग झट से अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर वर्चस्विनी की रूह कांप जाती है। उसके सामने एक मुर्दा जिंदा हुआ था तो उसका डरना लाजमी था। अनुराग की आंखें पुतली पीली थी। वर्चस्विनी अनुराग को देखकर हकलाते हुए कहती है, लेखक बाबू। अनुराग डरावनी और भारी आवाज में कहता है, साया, काला साया, तेरी मौत का साया। इन सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग हंसते हुए डरावनी आवाज में कहता है, साया, काला साया, तेरी मौत का साया। जैसे ही वर्चस्विनी अनुराग के मुंह से ये बात सुनती है उसकी रूह कांप जाती है, उसके पैर डर के मारे थरथर कांपने लग जाते हैं। अनुराग के मृत शरीर में वापस से जान आ गई थी, वो काला साया अनुराग के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अनुराग की वैसी ही आवाज सुनाई दे रही थी जैसे काले साये की आवाज सुनाई देती थी। अनुराग वर्चस्विनी के पास जाते हुए कहता है, ब्लड मून की खूनी बारिश, काली शक्तियों का हूं मैं वारिस। ब्लड मून की खूनी बारिश, काली शक्तियों का हूं मैं वारिस। अनुराग यही सब बड़बड़ाते हुए वर्चस्विनी के पास जाता है और उसके पसीने से भीगे बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है। अनुराग वर्चस्विनी के बदन को वैसी ही नजरों से देख रहा था जैसे काला साया देखा करता था जब उसने अनुराग के शरीर में प्रवेश नहीं किया था। अनुराग की आंखें पीले रंग में चमक रही थी, साथ में उसके हाथ के पांचों निशान भी। वर्चस्विनी डरते हुए कहती है, छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी तारा के पास जाना है, जाने दो मुझे। अनुराग भारी आवाज में कहता है, तुझे तेरी बेटी के पास जाना है, तारा के पास? वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ हाँ, मुझे मेरी तारा के पास जाना है, मेरी बेटी तारा के पास। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, तारा, दुनिया का आखिरी सितारा, तारा आखिरी सितारा। वर्चस्विनी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग क्या बड़बड़ा रहा था, वो बस डर के मारे सहमी हुई थी। उसे डर था कि पता नहीं अनुराग कब क्या कर दे, इसलिए वो चुप बैठी रहती है, ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। तारा का नाम बड़बड़ाते हुए अनुराग हंसने लग जाता है, उसके हंसने की आवाज ग्रेवयार्ड कोठी में गूंजने लग जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर काले बादलों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई थी, वो ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ही मंडराए जा रहे थे। इस तरफ हवेली के अंदर योग और उसके दोस्त हॉल में थे, यामिनी वहां पर नहीं थी। चैटर्जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया था कि उसके और वर्चस्विनी के साथ रास्ते में क्या हुआ था। सारी बात सुनने के बाद कछुआ चैटर्जी पर ही इल्जाम लगा रहा था, उसे काले साय के साथ मिला हुआ समझ रहा था, पर युग और अभिमन्यु के समझाने पर वो उनकी बात मान गया था और वर्चस्विनी को बचाने के बारे में सोचने लग गया था। बात वहीं से शुरू हो रही है जहां पर कछुए ने खत्म करी थी।
कछुआ वर्चस्विनी की फिक्र करते हुए घबराते हुए कहता है, हमें कुछ करना होगा, मेरी वर्चू को बचाना होगा। मैं उसे उस काले साई के पास नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बचाने जाऊंगा। युग चिढ़ते हुए कछुए को समझाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है क्या कछुए, ये तू क्या बोल रहा है? ग्रेवयार्ड कोठी जाने की बात कर रहा है, वो भी ब्लड मून की रात। तू जानता है ना वहां पर वो काला साया है, और वो तो हमारी ताक में बैठा है कि कब हम वहां पर आए और कब वो हमें मारे। कछुआ पलट कर जवाब देता है, तो क्या करूं मैं, तुम सब की तरह यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं, उस काले साए का वर्चू को कुछ करने का इंतजार करते रहूं? तुम्हें भले ही वर्चू की कोई फिक्र ना हो, पर मुझे है, और मैं अपनी वर्चू को बचाने जा रहा हूं। अभिमन्यु बीच में बोल पड़ता है, ऐसा नहीं है कछुए, जितनी फिक्र तुझे वर्चस्विनी जी की है उतनी ही हमें भी है, पर हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। हमारा उठाया एक गलत कदम हमें मौत की तरफ बढ़ा सकता है। कछुआ गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मौत की तरफ कदम तो हमने उसी दिन बढ़ा दिया था जिस दिन युग ने ग्रेवयार्ड कुठी का गेट खोला था। ना युग वो गेट दोबारा खोलता, ना इतना सब कुछ होता। हमारे गांव में सब ठीक चल रहा था, पर युग के गेट खोलते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। युग शर्म से अपना सिर नीचे झुका लेता है, क्योंकि वो जानता था कि ये जो कुछ भी हो रहा था उसकी गलतियों के कारण ही हो रहा था जो उसने अनजाने में करी थी। ना वो ग्रेवयार्ड कोठी का गेट खोलता और ना इतना सब कुछ होता। कछुआ युग को और भला बुरा कहता उससे पहले ही कायर कछुए पर चिढ़ते हुए कहता है, कछुआ अब तू युग को क्यों दोष दे रहा है, इसमें इसकी क्या गलती है? जो होना रहता है वो किसी ना किसी तरीके से हो ही जाता है। अगर युग दरवाजा नहीं खोलता तो कोई और खोलता, होनी को कोई नहीं टाल सकता, खुद भगवान भी नहीं। कछुआ गुस्से से कायर को घूरते हुए कहता है, नहीं गलती तो युग की ही है, समझा तू? कायर पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु बोल पड़ता है, यार ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। हमें वर्चस्विनी जी को बचाना होगा, हमें कुछ सोचना होगा जिससे हम उस काले साए के शिकंजे से वर्चस्विनी जी को बचा सके। कछुआ फिर गुस्से के साथ बोलता है, तुम लोग ना यहाँ पर बैठकर सोचते रहो, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अपनी वर्चू को बचाने, और मैं उसे बचाकर ही रहूंगा। मैं अब और इंतजार नहीं करने वाला, पहले ही काफी देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। तारा भी वहीं पर खड़ी हुई थी जो खामोशी के साथ सबकी बातें सुन रही थी। वो काफी देर से चुप थी। जब चैटर्जी उन्हें बता रहा था कि उस काले साए ने उसको और वर्चस्विनी को किस मायाजाल में फंसाया, तो वो एकटक नजर से चैटर्जी की आंखों में ही देख रही थी, जैसे अपनी शक्तियों से पता करने की कोशिश कर रही हो कि चैटर्जी सच बोल रहा था या झूठ। और तारा को पता चल गया था कि चैटर्जी एकदम सच बोल रहा था। वो उस काले साए के साथ मिला हुआ नहीं था, उसने जो किया था अनजाने में किया था, कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। देखते ही देखते तारा को भी वर्चस्विनी की फिक्र सताने लग जाती है, वो भी डरने लग जाती है। तारा को वर्चस्विनी की याद आने लग जाती है, उसे महसूस होने लग जाता है कि वर्चस्विनी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। कछुआ अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, जा रहा हूँ मैं अपनी वर्चू को बचाने के लिए। इतना कहकर कछुए ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि तभी तारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी कछुआ अंकल, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मम्मा के पास जाना है। तारा के हाथ पकड़ते ही कछुआ वहीं पर रुक जाता है और तारा का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नहीं तारा तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, वहाँ खतरा है बेटा। तारा पलट कर कहती है, खतरा है तो आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं कछुआ अंकल, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मुझे भी मेरी मम्मा के पास जाना है, वो मुसीबत में है, मैं महसूस कर सकती हूँ। कछुआ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तारा तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि मेरे साथ वहाँ पर चल सको, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम यहीं पर रहो, मैं आपकी मम्मा को लेकर आता हूँ, वादा रहा मेरा तुमसे, मैं उन्हें ले आऊंगा। तारा कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं छोटी हुई तो क्या हुआ कछुआ अंकल, आप शायद भूल रहे हैं मैं महाशक्ति हूँ, मैं ही उस काले साए का अंत कर सकती हूँ। जब तारा ये बात कछुए की आंखों में देखते हुए कहती है, तब कछुए को न जाने क्या हो जाता है, उसे तारा की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई देने लग जाती है, और वो ना चाहते हुए भी तारा को मना नहीं कर पाता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। कछुआ वापस से तारा का हाथ थामने लग जाता है। युग कछुए को देखकर समझ गया था कि वो क्या करने जा रहा था। कछुआ ने अभी तारा का हाथ वापस से थामा ही था कि युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, रुक जा कछुआ, ये तू क्या करने जा रहा है, तू तारा को लेकर ग्रेवयार्ड को ठीक जाने का सोच भी कैसे सकता है। कछुआ वहाँ पर मौजूद सब लोगों को देखते हुए कहता है, कैसे सोच सकता हूँ का क्या मतलब है, युग तारा में हिम्मत और बहादुरी है इसलिए वो मेरे साथ चल रही है, तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं है जो यहीं पर रहकर कुछ होने का इंतजार करते रहे। युग गुस्से के साथ कछुए को घूरते हुए कहता है, डरपोक तो यहाँ पर कोई नहीं है कछुआ, बस हमें डर लगता है किसी को खोने से, तूने किसी को खोया नहीं है ना, इसलिए तुझे पता नहीं है कि किसी को खोने का डर क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी एक मेंबर कम हो, इसलिए खामोश बैठे हैं, हमारी खामोशी को तू डरपोकपन का नाम मत दे। कछुआ युग से नजरें फेरते हुए कहता है, देखियो मुझे ना तेरे प्रवचन नहीं सुनने हैं, तुझे नहीं चलना मेरे साथ ग्रेवयार्ड कोठी तो मत चल, लेकिन मैं और तारा तो जा रहे हैं वर्चू को बचाने के लिए। युग फिर कछुए को अच्छे से समझाने की कोशिश करते हुए कहता है,
रुक जा कछुआ, कुछ भी करने से पहले हमें एक बार यामिनी से बात कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। जब युग यामिनी का नाम लेता है तो वहाँ पर मौजूद रजनी, अमोदिता और वंदना तीनों के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये यामिनी कौन है। उन तीनों ने पहली बार यामिनी का नाम सुना था युग के मुँह से। अमोदिता मन में सोचने लग जाती है, अब ये यामिनी कौन है जिसके बारे में युग जी बात कर रहे हैं, और युग जी उससे पूछने के लिए क्यों बोल रहे हैं? वो क्या कहीं की महारानी है जो उससे पूछना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं? अभिमन्यु को भी युग की बात ठीक लगने लग जाती है और वो युग का साथ देते हुए कछुए से कहता है, हाँ कछुआ, युग सही कह रहा है, हमें कुछ भी करने से पहले यामिनी से बात कर लेनी चाहिए, वही हमें बता सकती है कि हमें क्या करना चाहिए, ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए या नहीं। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, यामिनी हमें क्या बताएगी अभिमन्यु, उसे तो खुद नहीं पता है कि उसकी माँ कहाँ पर कैद है, उस काले साये ने उसकी माँ को कहाँ पर कैद करके रखा है, वो तो खुद अपनी माँ को नहीं बचा पा रही है, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो मेरी वर्चू को बचा सकती है, युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है। पर कछुए, कछुआ युग को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पर क्या युग, तू तो रह नहीं दे, तू भी तो अपने पिता की रूह को आजाद करवाने गया था ना वहाँ पर, क्या हुआ, क्या तू आजाद करवा पाया? नहीं। कछुआ अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि उसी वक्त हवेली की लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अमोदिता को अंधेरे से बहुत डर लगता था। अमोदिता झट से उसके बगल में जो खड़ा हुआ था उसे पकड़ते हुए कहती है, मम्मी अंधेरा। हवेली के अंदर इतना अंधेरा छा गया था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हॉल में मौजूद इंसान भी नहीं। युग अपने आसपास देखने की कोशिश करते हुए कहता है, ये लाइट को क्या हो गया अचानक से, ये कैसे चली गई? युग अपने आसपास देख ही रहा था कि तभी उसे एक अजीब सी बदबू आने लग जाती है, वैसी ही बदबू जैसी पंचम गांव के उस घर के अंदर आ रही थी। युग उस बदबू को सूंघते हुए कहता है, ये तो मरे हुए इंसान की बदबू है, वैसी बदबू जो मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में अक्सर आया करती थी, इसका मतलब है कि वो यहाँ पर। इतना कहते ही युग की बोलती अपने आप बंद हो जाती है, वो घबराने लग जाता है। तारा अंधेरे में खड़ी हुई थी कि उसे वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा, तारा बेटी, मेरी तारा बेटी। सिर्फ तारा को ही नहीं, वहां पर मौजूद सभी को वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है, और वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनकर सबकी सांसें एक पल के लिए थम सी जाती है। फिर से वर्चस्विनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा, मेरी तारा, आ तारा बेटी, अपनी मम्मा के पास आ जा, आ तारा बेटी। तारा वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए कहती है, ये तो मम्मा की आवाज है, मेरी मम्मा की आवाज, मम्मा आ गई। तारा जैसे ही वर्चस्विनी की आवाज को पहचानती है, हवेली की लाइट वापस से आ जाती है। जैसे लाइट गई ही इसलिए थी ताकि अंधेरे की खामोशी में तारा वर्चस्विनी की आवाज को अच्छे से सुनकर पहचान सके। लाइट तो आ जाती है पर वो आते ही बंद चालू होने लग गई थी। उस बंद चालू होती हुई लाइट में अमोदिता देखती है कि उसने रजनी का नहीं बल्कि अंधेरे में गलती से चैटर्जी का हाथ पकड़ लिया था। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेती है। लाइट हर एक सेकंड में बंद चालू हो रही थी। वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा, जल्दी आ मेरी बेटी। कछुआ वर्चस्विनी की आवाज को गौर से सुनते हुए कहता है, ये आवाज तो यहीं बाहर से आ रही है, इसका मतलब मेरी वर्चू। इतना कहकर कछुआ खुद चुप हो जाता है। तारा समझ जाती है कि कछुआ आगे क्या बोलने वाला था। तारा तुरंत हड़बड़ाहट के साथ बोलती है, मम्मा आ गई, मम्मा बाहर है, मुझे मम्मा के पास जाना है। युग झट से कहता है, नहीं तारा बेटी, तुम बाहर नहीं जा सकती। वर्चस्विनी की फिर से तारा को पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा बेटी, तारा मेरे पास आ बेटी। कछुआ दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ वर्चू, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर कछुए ने दरवाजे की तरफ दो तीन कदम ही बढ़ाए थे कि उसी वक्त युग उसका हाथ पकड़ता है और उसे पीछे खींचते हुए कहता है, रुक जा कछुआ, ये छलावा है, ऐसा छलावा वो काला साया पहले भी मेरे साथ कर चुका है, लगता है वो यहाँ पर आ गया है। जैसे ही युग ये बात बोलता है वहाँ पर मौजूद सभी लोग डर से कांप जाते हैं। वर्चस्विनी की फिर से पुकारने की आवाज सुनाई देती है, तारा बेटी, मेरी तारा। तारा नम लहजे में कहती है, मम्मा, मम्मा। कछुआ वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए कहता है, वर्चू बाहर है, मुझे जाना होगा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ वर्चू। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ अपनी जगह से भागते हुए चीखता है, वर्चू, तारा, नहीं। कछुए के चीखते ही तारा और वर्चस्विनी दोनों तुरंत कछुए की तरफ देखने लग जाते हैं। वहाँ पर मौजूद बाकी सब भी कछुए की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कछुआ क्यों चीखा था और यूँ पागलों की तरफ भागते हुए वर्चस्विनी और तारा के पास क्यों जा रहा था। वो नुकीली कांटेदार बेल वर्चस्विनी और तारा के पास पहुँच पाती उससे पहले ही कछुआ तारा और वर्चस्विनी के पास पहुँच जाता है।
उस काले साई ने उस कांटेदार बेल से वार तो तारा और वर्चस्विनी के ऊपर किया था, पर उन दोनों के सामने कछुआ आ गया था, जिस कारण उस कांटेदार बेल से वार भी कछुए के ऊपर ही हुआ था। वो कांटेदार बेल कछुए से लिपटने लग जाती है। उस बेल के कांटे कछुए के बदन में चुभने लग जाते हैं। कछुआ दर्द से कराहने लग जाता है। कछुआ दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह, जैसे जैसे वो कांटेदार बेल कछुए के बदन से लिपटते जा रही थी, कछुए के बदन में वो कांटे घुसते जा रहे थे। वो दर्द से तड़पे जा रहा था। उसकी दर्द भरी चीखें आसमान में गूंजने लग गई थी। नुकीले कांटे चुभने के कारण कछुए के बदन से अलग अलग हिस्सों से खून बहने लग गया था। देखते ही देखते वो कांटेदार बेल कछुए के बदन से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह लिपट जाती है। वो बेल कछुए के दोनों पैरों से कुछ इस कदर लिपटती है कि कछुआ अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। कछुआ दर्द से कराहने लग जाता है। वर्चस्विनी तुरंत कछुए के पास बैठती है और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए कहती है, जब वर्चस्विनी कछुए को कछु कहती है तो कछुआ दर्द से कराहना बंद कर देता है। प्यार होता ही ऐसा है जो इंसान को हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है, और वही ताकत आज कछुए को वर्चस्विनी ने दे दी थी, उसे प्यार से कछु बोलकर। वर्चस्विनी ने कछुए को कछु कहकर उसके दर्द को कम कर दिया था। सभी लोग कछुए को ही दर्द से तड़पते हुए देख रहे थे। युग देखता है कि वो कांटेदार बेल अंधेरे के अंदर से आ रही थी, लेकिन अंधेरे में कहां से आ रही थी ये दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। युग को उस कांटेदार बेल का शुरुआती छोर नहीं दिख रहा था। उसे बस दिखाई दे रहा था कि अंधेरे से कांटेदार बेल निकली थी जो कछुए से लिपट रही थी, उसे दबोच रही थी। कछुआ दर्द से कराहे जा रहा था। कछुए को दर्द से तड़पते हुए देख युग के अंदर का गुस्सा जागने लग गया था, और उसके गुस्से के जागने के साथ ही उसके अंदर की शक्तियां भी जागने लग गई थी। उसके हाथ की कलाई पर जो आग का निशान बना हुआ था वो चमकने लग गया था। युग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और अगले ही पल युग के निशान वाले हाथ से आग की लपटें निकलती हैं और अंधेरे से निकलती उस कांटेदार बेल को जलाने लग जाती है। उस बेल के बीच का हिस्सा जैसे ही जलता है वो बेल टूट जाती है, और उसके टूटने के साथ ही जो बेल कछुए के बदन से लिपटती हुई थी वो छूटने लग जाती है, और कछुए के बदन से हटते ही उसी अंधेरे में वापस सिर रेंगते हुए चली जाती है जिस अंधेरे से वो आई थी। युग उसी अंधेरे की तरफ देख रहा था जहाँ पर वो बेलें चली गई थी। सिर्फ युग ही नहीं, बाकी सब भी उसी अंधेरे की तरफ देख रहे थे, पर उन सबको सिवाय अंधेरे के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के ऊपर जो बादल मंडरा रहे थे उनमें तेजी के साथ मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। सारे बादल एक ही जगह पर चक्र में घूमने लग जाते हैं। बादल आपस में टकराने लग जाते हैं और जोर जोर से गरजने लग जाते हैं। बादलों के गरजने की आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिल सहम गए थे। बादल जोर जोर से गरज ही रहे थे कि एक तेज आवाज में बिजली कड़कती है और वो बिजली झट से जमीन पर आकर गिर जाती है, उसी अंधेरी जगह पर जिस तरफ युग और बाकी सब ने अपनी निगाहें टिका कर रखी हुई थी। बिजली की सफेद रोशनी में उस अंधेरी जगह में कुछ पल के लिए रोशनी हो गई थी, और उस रोशनी में उन्हें खूब सारा धुआं नजर आ रहा था, और उसी धुएं के अंदर चमकती हुई दो पीली आंखें दिखाई दे रही थी। युग उन आंखों और धुएं को देखकर समझ जाता है कि वो आंखें किसकी थी, उस धुएं के बीच कौन मौजूद था। युग उन पीली आंखों को देखते हुए बड़बड़ाता है, ये तो काला साया है। जैसे युग ये बात बोलता है रजनी, अमोदिता, वंदना, जानकी और दिलीप पांचों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पांचों डर के मारे कांपने लग जाते हैं। जिसका उन पांचों ने सिर्फ अब तक जिक्र सुना था, खौफ के किस्से सुने थे, वो अब उनके सामने था। उन सभी को धुएं में वो दो डरावनी पीली आंखें दिखाई दे रही थी। वो धुआं और आंखें तारा वर्चस्विनी कछुए से करीब 20 कदम की दूरी पर था। अमोदिता डरते हुए मन में रजनी से पूछती है, माँ ये काला साया तो ग्रेवयार्ड कोठी में था ना, ये काला साया यहाँ पर क्यों आ गया? रजनी मन में जवाब देती है, मुझे क्या पता नालायक लड़की की ये यहाँ पर क्यों आया है, मुझे तो वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, बस धुआं और वो चमचमाती हुई पीली आंखें दिखाई दे रही हैं। अंधेरे से काले साये की डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुम सब वापस हवेली के अंदर चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तारा के लिए आया हूँ, तारा और वर्चस्विनी को लेकर चले जाऊंगा। कोई कुछ जवाब नहीं देता है, सब डरे हुए थे और डरते हुए काले साये की आवाज ही सुन रहे थे। कछुआ तो दर्द से इतना तड़प रहा था कि कुछ बोल तक नहीं पा रहा था, बस कराहे जा रहा था। वंदना मन में सोचती है, जब इस काले साये की आवाज इतनी डरावनी है तो ये खुद कितना डरावना होगा। काला साया अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, सब कुछ मेरे हिसाब से ही चल रहा था, माँ बेटी को मैंने अपने जाल में फंसा दिया था। मैं तारा को कांटेदार बेल से बांधता और तारा और वर्चस्विनी को लेकर यहाँ से चले जाता, ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता, लेकिन तुम लोग गलत बाहर निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। खैर निकल गए तो निकल गए, अभी भी मौका है, वापस चले जाओ वरना सब मरोगे, अभी तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया है, चले जाओ तुम लोग, मुझे तारा को लेकर जाने दो।
युग काले साई को गुस्से के साथ देखते हुए कहता है, तू यहाँ से किसी को लेकर कहीं नहीं जा सकता, समझा? अच्छा हुआ तू खुद आ गया, वरना हम ही तेरे पास आने वाले थे तेरा अंत करने। काला साया युग को घूरते हुए कहता है, तू मेरा अंत करेगा? मेरा अंत? युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, हाँ करूंगा, मैं ही तेरा अंत करूंगा। वो काला साया बदले हुए लहजे में रोने के अंदाज में कहता है, तू मुझे मारेगा मेरा बच्चा। जैसे ही वो काला साया युग को मेरा बच्चा बोलता है, युग को वो आवाज जानी पहचानी लगती है, जैसे वो आवाज उसने पहले भी कभी सुनी हो। उस काले साये ने युग को मेरा बच्चा कहकर उसके पूरे बदन में एक झुंझलाहट पैदा कर दी थी। वो काला साया फिर युग को देखते हुए कहता है, तू मुझे कैसे मारेगा मेरा बच्चा, जरा मेरी आंखों में तो देख। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, युग को काले साये की आंखों में इंसानी आंखें दिखाई देने लग जाती है। अब वो पीली आंखें चमक नहीं रही थी। युग इंसानी आंखें देखकर और ज्यादा चुप हो जाता है, लेकिन वो जानता था वो आंखें किसकी थी। उन आंखों को वो अच्छे से पहचानता था, उन्हें वो कभी नहीं भूल सकता था। युग काले साये की आंखों में एकटक नजर से देखते हुए खुद ब खुद बोल पड़ता है, पापा। सिर्फ पापा कहकर युग चुप हो जाता है। उसे याद आता है कि मेरा बच्चा कहकर बचपन में उसे अनुराग ही बुलाया करता था। अनुराग हर बार युग को बुलाने के लिए या युग को चित्रा की डांट से बचाने के लिए युग को मेरा बच्चा बोला करता था। युग की आंखें नम हो गई। अगले ही पल वो धुआं जो काले साई की आंखों के आसपास फैला हुआ था, एक आदमी के बदन की आकृति में बदलने लग जाता है। कुछ ही देर में सबके सामने एक आदमी का बदन बना हुआ था, जो धुएं से बना हुआ था। अगले ही पल धुएं से बना आदमी का बदन अनुराग के रूप में बदल जाता है। अनुराग ने हमेशा की तरह गोल चश्मा पहना हुआ था, बिखरे बाल, लंबी सी दाढ़ी और उसने काला कुर्ता पहन कर रखा हुआ था। हाथ की आस्तीनें ऊपर मुड़ी हुई थी, जिस कारण उसके हाथों की कलाई साफ दिखाई दे रही थी। उसकी कलाई पर जो 5 निशान बने हुए थे, वो हल्की पीली रोशनी में अभी भी चमक रहे थे। उसके पैरों में चमड़े की चप्पल थी, जो उसे पहनना पसंद थी। अनुराग उसी हुलिये में था, जिस हुलिये में वो जीते वक्त ग्रेवयार्ड कोठी में रहा करता था। अनुराग के बदन के आसपास से अभी भी धुआं निकल रहा था। वहां पर मौजूद सभी लोग अनुराग को देखकर हक्के बक्के रह गए थे। आधे से ज्यादा लोगों के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने अनुराग खड़ा हुआ था, जिसे 14 साल पहले यक्षिणी ने मार दिया था। युग को देखकर अनुराग की भी आंखें नम हो जाती हैं। अनुराग नम आंखों के साथ नम लहजे में युग से कहता है, मेरा बच्चा, पहचाना मुझे? युग अपनी आंखों से आंसू निकालते हुए कहता है, पापा आप? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मेरा बच्चा मैं। तू मुझे मारेगा? अपने पापा को मारेगा युग बच्चा? युग रोते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं आपको कैसे? इतना कहकर युग खुद चुप हो जाता है। युग को इस वक्त सिर्फ अनुराग दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। वो पूरी तरह अनुराग के वश में हो गया था। दिलीप अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए मन में सोचता है, ये तो अनुराग है, ये जिंदा कैसे हो गया? ये तो मर गया था। दिलीप के अलावा कोई कुछ और सोच पाता उससे पहले ही अनुराग युग के सामने आने की वजह रखते हुए कहता है, युग बच्चा, मुझे तारा और वर्चस्विनी को लेकर यहाँ से जाने दे, वरना वो काला साया मेरी रूह को और तड़पाएगा, उसे और सताएगा। मुझे तारा और वर्चस्विनी को लेकर जाने दे युग बेटा। युग खामोश रहता है। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने पिता को देखकर वो पूरी तरह भावुक हो गया था। युग अनुराग की बात मानता उससे कुछ कहता उससे पहले ही वर्चस्विनी चीखते हुए कहती है, नहीं युग, इसकी बातों में मत आना, ये अनुराग नहीं है, ये काला साया है। काले साये ने ही तुम्हारे पिता की बॉडी में प्रवेश किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इसकी बातों में मत आना, ये अनुराग नहीं है। अनुराग युग की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं अनुराग ही हूँ युग बेटा, तूने पहचाना नहीं अपने बाप को? अचानक से युग के हाथ पर जो 4 निशान बने हुए थे, वो भी पीली रोशनी में चमकने लग जाते हैं और युग अनुराग के वश से बाहर आ जाता है। वर्चस्विनी की आंखों में देखकर युग समझ जाता है कि सच क्या था। युग अनुराग की आंखों में देखते हुए कहता है, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। अनुराग पलट कर कहता है, पर मैं आया हूँ युग बच्चा सिर्फ तेरे लिए, तू मुझे याद करता था ना, तेरे लिए मैं लौट कर आया हूँ मौत से लड़कर। युग अनुराग के लहजे में ही जवाब देते हुए कहता है, मौत से लड़कर या फिर मेरे पापा के शरीर में घुसकर, इस बार मैं तेरे किसी छलावे में नहीं फंसने वाला काले साये। युग के सामने अनुराग की आंखें काले साये की आंखों की तरह पीली रोशनी में चमकने लग जाती है। अनुराग समझ जाता है कि युग को वो अपनी बातों में नहीं फंसा पाएगा। अनुराग युग को देखते हुए कहता है, लगता है तू अपने बाप को नहीं पहचान पा रहा है। पहचानेगा कैसे, तेरी माँ बच्चलन जो थी, कितने आशिक थे उसके, पता नहीं तू उसके किस आशिक की पैदाइश है, किसकी गलती का अंजाम होगा तू, एक की या 10 की। अनुराग की बातें सुनकर युग का खून खौलने लग जाता है। अब वो पूरी तरह इस बात से सहमत हो गया था कि उसके सामने जो शख्स था वो अनुराग तो था, पर उसके अंदर रूह काले साई की थी, वरना अनुराग कभी चित्रा के बारे में ऐसी बातें नहीं करता। युग गुस्से के साथ अनुराग को देखते हुए कहता है,
मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। इतना कहकर योग अपने अंदर के गुस्से से आग और बढ़ा लेता है। वो दोनों हाथों से आग की बौछारें निकालने लग जाता है जो सीधे अनुराग तक पहुंच रही थी, उसे जला रही थी। पर अनुराग उस आग में बिल्कुल नहीं जल रहा था, वो वैसा ही दिख रहा था जैसे पहले दिख रहा था। अनुराग आग की बौछार में हंसते हुए कहता है तुम मरे हुए को कैसे जला सकता है बेवकूफ मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। अनुराग योग की आंखों में देखते हुए कहता है ये शक्तियां जो तेरे पास हैं वो मेरी ही दी हुई हैं। इन शक्तियों से तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है योग को याद आता है कि इसके पहले भी वो काले साए से सामना कर चुका था और उससे हार चुका था। ये बात करके उसका आत्मविश्वास खुद ब खुद टूट जाता है और वो अनुराग के सामने निहत्था पड़ जाता है। अनुराग डरावनी आवाज में हंसते हुए कहता है मैं तारा के लिए यहाँ आया था और मैं तारा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए कहता है वर्चू बाहर है, मुझे जाना होगा, मैं आ रहा हूँ वर्चू। इतना कहकर कछुआ अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाने लग जाता है। कछुआ दरवाजे के पास पहुंच पाता उससे पहले ही युग धड़ाधड़ अपने कदम आगे बढ़ाता है और दरवाजे के पास पहुंच जाता है। युग दरवाजे के पास पहुँच कर अपने दोनों हाथ फैला कर कछुए का रास्ता रोकते हुए कहता है नहीं कछुआ, तू बाहर नहीं जाएगा। कछुआ युग को गुस्से से घूरते हुए कहता है मैं कहता हूँ दरवाजे पर से हट जा युग। युग वहीं पर अपने पैर जमाते हुए अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है नहीं नहीं हटूंगा। कछुआ तुरंत फुर्ती के साथ अपने कदम आगे बढ़ाता है और दरवाजे के पास पहुंचकर युग को साइड करने लग जाता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लग जाती है और युग कछुए को दरवाजे से दूर फेंक देता है। कछुआ फर्श पर जाकर गिर जाता है। कायर और अभिमन्यु तुरंत जाकर कछुए को पकड़ लेते हैं ताकि वो बाहर ना जा पाए। युग दोनों हाथ आजू बाजू फैलाकर दरवाजे पर ही रास्ता रोककर खड़ा रहता है। युग कछुए को देखकर बड़बड़ाते हुए कहता है मैंने कहा ना तू बाहर नहीं जाएगा। अभिमन्यु कछुए को समझाते हुए कहता है हाँ कछुए मान जा युग की बात, बाहर जाने की जिद मत कर, बाहर खतरा है। कायर भी कछुए को समझाते हुए कहता है हाँ कछुए बाहर मत जा, बाहर मौत का खतरा, हम तुझे बाहर नहीं जाने देंगे। वर्चस्विनी की फिर से तारा को पुकारने की आवाज सुनाई देती है तारा बेटी, मेरी तारा, आजा मेरी तारा बेटी, मेरी तारा बेटी। वर्चस्विनी की आवाज सुनकर तारा और इमोशनल हो जाती है, उसे और ज्यादा वर्चस्विनी की फिक्र सताने लग जाती है। तारा का मन अपनी माँ से मिलने का करने लग जाता है, उसके अंदर माँ के मिलन की आग दहकने लग जाती है और इस आग में वो भूल जाती है कि उसके सामने कौन खड़ा है और वो क्या है। तारा को बस अपनी माँ से मिलना था। तारा युग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है दरवाजे पर से हट जाइए युग भैया, मुझे बाहर जाना है माँ से मिलने, वो मुझसे मिलने आ गई है, उन्हें मेरी जरूरत है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है नहीं तारा बेटी आप बाहर नहीं जा सकती, बाहर आपकी मम्मा नहीं है। तारा पलट कर कहती है नहीं युग भैया, बाहर मम्मा है, ये उन्हीं की आवाज़ है, मैं मम्मा की आवाज़ पहचान सकती हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है। युग अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है नहीं तारा बेटी, ये एक छलावा है, वो काला साया मेरे साथ पहले भी ऐसे छलावे कर चुका है और अब वही छलावा तुम्हारे साथ कर रहा है। युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है वो काला साया यहाँ पर आ गया है। जैसे ही युग ये बात बोलता है कायर रजनी के मन का खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। युग अपनी बात पूरी करते हुए तारा से कहता है वो काला साया चाहता है तुम हवेली से बाहर निकलो, इसलिए तुम्हें छलावा दे रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा चाहे वो कितने छलावे कर ले, लेकिन इस बार मैं उसके छलावे में किसी को भी नहीं फंसने दूंगा, किसी को भी नहीं। तारा पलट कर कुछ कहती है उससे पहले ही वर्चस्विनी की फिर से तारा को पुकारने की रोती हुई आवाज सुनाई देती है तारा बेटी, मेरी तारा, आजा बेटी अपनी माँ से मिलने आजा, मेरी तारा बेटी। इस बार वर्चस्विनी की रोती हुई आवाज सुनकर तारा के मन में वर्चस्विनी की फिक्र और ज्यादा बढ़ जाती है। तारा वर्चस्विनी से मिलने के लिए तड़पने लग जाती है। वो तड़प इतनी बढ़ जाती है कि वो युग को गुस्से से घूरते हुए आक्रोश के साथ कहती है दरवाजे पर से हट जाओ युग भैया। तारा का गुस्सा देखकर सिर्फ युग नहीं वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, ये सोचकर कि अचानक से तारा को इतना गुस्सा कैसे आ गया। उनमें से किसी ने कभी भी तारा को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा था।
युग पर तारा के गुस्से का भी कुछ असर नहीं होता है। वो अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं तारा, मैंने कहा ना तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम क्या, कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तारा युग को घूरते हुए कहती है, मैंने कहा मुझे बाहर जाना है। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं तारा। जब तारा के बार बार कहने पर भी युग दरवाजे पर से नहीं हटता है तो तारा के अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तारा बड़े छोटे सब चीज का लिहाज भूल जाती है। तारा युग को गुस्से से घूरते हुए अपना सीधा हाथ आगे करती है और दूर से ही युग को साइड करने का इशारा करती है। जैसे ही तारा अपने हाथ से राइट साइड इशारा करती है, उसी वक्त युग हवा में तेज रफ्तार के साथ राइट साइड की दीवार से जा टकराता है। युग दीवार से इतनी तेज टकराया था कि दीवार पर दरार पड़ गई थी। बाकी सबके तो समझ ही नहीं आया था कि तारा ने ये कैसे कर दिया था, बिना युग कुछ हुए दरवाजे से दूर कैसे फेंक दिया था। युग समझ गया था कि तारा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था। वहां पर मौजूद सभी लोग तारा को देखकर दंग रह गए थे और एक टक नजर से हैरानी के साथ उसी को देखे जा रहे थे। रजनी तारा को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, ये छोटी सी बच्ची तो हमसे भी बड़ी स्वादाई निकली। इसने तो बिना कोई मंत्र पढ़े ही युग को एक ही झटके में फेंक दिया। ये बच्ची तो कमाल की है। अमोदिता तारा को देखते हुए मन में सोचती है, ये तारा ने कैसे कर दिया। युग अपने घावों के दर्द को भूलकर फिर से खड़ा हो पाता उससे पहले ही तारा गुस्से के साथ ही दरवाजे को देखते रहती है और देखते ही देखते दरवाजे के छोटे छोटे टुकड़े होने लग जाते हैं, जैसे उन्हें कोई मशीन से काट रहा हो। एक सेकंड से भी कम समय में उस दरवाजे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं हो। वो दरवाजा पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। तारा हवेली से बाहर की तरफ निकलने लग जाती है। युग तारा को लेटे लेटे ही पुकारता है, रुक जाओ तारा। पर तारा युग की बात नहीं मानती है और अगले ही पल हवेली से बाहर निकल जाती है। कुछ मिनट पहले हवेली के अंदर यामिनी ऊपर वाले कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपने हाथ में अपना ताज पकड़ा हुआ था। ताज की शक्तियों से नीचे हॉल में क्या बातें हो रही थी उसे सब पता चलते जा रहा था। उसे सारी बातें सुनाई दे रही थी। चैटर्जी उन्हें जो भी बता रहा था उसे ताज की मदद से सब पता चल रहा था कि काले साए ने चैटर्जी और वर्षस्विनी को किस माया जाल में फंसाया था। यामिनी अपने ताज की मदद से नीचे के हॉल की बातें सुनने में लगी ही हुई थी कि तभी उसकी नजर सामने मौजूद खिड़की पर पड़ती है और वो देखती है कि आसमान में काले बादल जमा होने लग गए थे। ऐसा लग रहा था सारे बादल हवेली के पास ही आकर रुक रहे थे, वहीं पर जमा हो रहे थे। वो काले बादल काली शक्तियों के झुंड की तरह लग रहे थे। वो काले बादल हवेली के पास ही मंडराने लग गए थे। यामिनी उन काले बादलों के झुंड को देख ही रही थी कि तभी लाइट चली जाती है और उसके जाते ही उसे भी वर्चस्विनी की तारा को पुकारने की आवाज सुनाई देती है। यामिनी वर्चस्विनी की आवाज को पहचानते हुए खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या, ये तो वर्चस्विनी की आवाज है, पर वो यहाँ कैसे हो सकती है? उसे तो उस काले साए ने अपने माया जाल में फंसाया था, फिर ये आवाज कैसी? इस तरफ हवेली के अंदर ही एक कमरे में जानकी और दिलीप थे। जानकी बेड पर लेटी हुई थी और दिलीप उसके बगल में बैठा हुआ था, उसका ख्याल रख रहा था। तभी उन्हें भी वर्चस्विनी की आवाज सुनाई देने लग जाती है। जानकी दिलीप से डरते हुए कहती है, ये कैसी आवाज थी जी, तारा को कौन औरत पुकार रही है, वो भी इतनी रात को? दिलीप भी घबरा जाता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है, बस अपनी जगह पर से तुरंत खड़ा हो जाता है। वर्तमान, वही वक्त जब तारा ने अपनी शक्तियों से दरवाजा नष्ट कर दिया था और वो हवेली से बाहर निकल गई थी। जब तारा हवेली से बाहर निकलती है तो उसे बाहर निकलते ही वर्चस्विनी दिखाई देती है, जो उससे 20 कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी। वर्चस्विनी आंसू भरी आंखों से तारा की तरफ ही देखे जा रही थी। वर्चस्विनी के पीछे इतना अंधेरा था कि उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस वर्चस्विनी ही नजर आ रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे चांद की रोशनी उसी पर पड़ रही थी। हवेली के ऊपर कई सारे काले बादल छाए हुए थे जिनकी मौजूदगी तारा ने बाहर निकलते ही महसूस कर ली थी, पर उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ अपनी माँ पर था जो उससे दूर खड़ी हुई थी, बेसहारा और थकी हुई लग रही थी। अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखने पर तारा की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। तारा दूर से ही अपनी माँ को पुकारते हुए कहती है, मम्मा मम्मा। वर्चस्विनी तारा की तरफ देखते हुए कहती है, मेरी बच्ची तारा। जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है, तारा वर्चस्विनी की तरफ दौड़ लगाने लग जाती है। भागते हुए वो वर्चस्विनी के पास जाने लग जाती है। तारा वर्चस्विनी के पास जाती है और झट से उसे गले लगा लेती है। वर्चस्विनी भी तारा को रोते हुए अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देखकर आंसुओं की धारा बहाने लग जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लग गई थी। वर्चस्विनी तारा से रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची तू ठीक तो है? तारा भी रोते हुए ही जवाब देती है, मैं ठीक हूँ मम्मा, बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं लग रही, आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुझे देखकर मैं ठीक हो गई हूँ,
मैं तुझे अब अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। एक पल के लिए भी तुझे अपनी नजरों से दूर नहीं करूंगी। हमेशा अपने पास रखूंगी, अपने साथ। इतना कहकर वर्चस्विनी तारा के चेहरे को बार बार चूमने लग जाती है। आज वर्चस्विनी के अंदर की माँ की सारी ममता बाहर आ रही थी और ये बात उसे देखकर ही पता चल रही थी। तारा भी वर्चस्विनी के गले लिपटकर रोते रहती है। हवेली के अंदर से सबसे पहले कछुआ बाहर निकलता है और जब वो तारा और वर्चस्विनी को गले मिलते हुए देखता है तो उसके कदम हवेली के पास ही अपने आप रुक जाते हैं। उन दोनों को देखकर वो भी भावुक हो गया था। कछुए के पीछे पीछे ही अभिमन्यु, डायना, कायर, रजनी, अमोदिता, वंदना और युग भी बाहर निकलते हैं। पर बाहर निकलते ही उनका भी वही हाल होता है जो इस वक्त कछुए का था। वो सब भी दरवाजे के पास ही रुक जाते हैं। कोई भी वर्चस्विनी और तारा के पास नहीं जाता है। वो पल ही इतना सुहाना था कि कोई भी उन दोनों माँ बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। एक दूसरे से जी भर कर गले मिलने देना चाहता था। दिलीप और जानकी भी हवेली से बाहर आ गए थे। युग अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, वर्चस्विनी जी तो यहीं पर हैं, फिर वो काला साया कहाँ पर है? चटर्जी के अनुसार अगर उस काले साये ने वर्चस्विनी जी को अपने माया जाल में फंसाया था तो किसी ना किसी मकसद से तो जरूर फंसाया होगा। वो ऐसे ही कैसे वर्चस्विनी जी को छोड़ सकता है? उसने कुछ तो किया होगा। आखिर अब वो काला साया हमें कौन से नए माया जाल में फंसाने की सोच रहा है? इतना कहकर युग अपने आसपास काले साये को देखने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसे अपने आसपास सिवाय हवेली के ऊपर मंडराते काले बादलों के और आसपास फैले काले अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं देता है। युग के हाथ पर जो चार निशान बने हुए थे उनमें इन्फिनिटी वाले निशान में अपने आप मूवमेंट होने लग गया था। वो फिर से अपनी जगह पर घूमने लग गया था। युग को फिर से गंध आने लग जाती है। युग मन में सोचता है, ये तो वही सड़ी हुई बॉडी की गंध है जो कोठी से आती थी। इसका मतलब वो यही है। वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आखिर कहाँ है वो? युग यही सब सोचते हुए अपने आसपास देख रहा था और बाकी सबकी नजर तारा और वर्चस्विनी पर टिकी हुई थी। वर्चस्विनी अभी भी तारा का माथा चूमे जा रही थी, जैसे वो उसे आज अपने आप से दूर ही नहीं करना चाहती हो। कछुआ एक टक नजर से उन दोनों को ही देख रहा था। तभी उसे वर्चस्विनी और तारा के पीछे दो बिंदु की तरह पीली चीज चमकती हुई दिखाई देती है। जब कछुआ उस चीज को गौर से देखता है तो वो पीले बिंदु की तरह चीज उसे दो पुतलियों की तरह दिखाई देती है और उन पुतलियों को देखकर उसे काले साय की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि ऐसी ही पीली आंखें उस काले साय की भी थी। कछुआ मन ही मन स्वादाय का अदृश्यम दृश्यम मंत्र बड़बड़ाता है। जैसे ही उसका मंत्र खत्म होता है वो काला साया जो काले अंधेरे में छुपा हुआ था कछुए को दिखाई देने लग जाता है। कछुआ देखता है कि वो काला साया वर्चस्विनी और तारा से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था, जो उन दोनों माँ बेटी को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जाल जो उस काले साये ने बनाया था उसमें वर्चस्विनी और तारा पूरी तरह फंस चुकी हो। वर्चस्विनी और तारा एक दूसरे से लिपटी हुई थी कि उसी वक्त काला साया अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से कांटेदार काली बेलें निकलने लग जाती है जिसमें बड़े बड़े नुकीले कांटे लगे हुए थे। उस कांटेदार बेल को देखकर कछुआ समझ जाता है कि वो काला साया तारा पर पीछे से वार करने की सोच रहा था। कछुआ समझ गया था कि काले साये ने कौन सा नया माया जाल रचा था। काला साया जानता था कि वो तारा को ऐसे नहीं हरा सकता था, इसलिए उसने वर्चस्विनी को चारा बनाया था। वर्चस्विनी को हवेली के बाहर लाकर खड़ा कर दिया था ताकि जब वो दोनों माँ बेटी मिल रही हो तो वो काला साया तारा को आसानी से अपनी कैद में कर सके। उसने माँ की ममता को अपना हथियार बनाया था। काला साया गुस्से के साथ वर्चस्विनी की तरफ देखता है और अगले ही पल वो बेल अंधेरे में ही वर्चस्विनी और तारा के पास जाने लग जाती है। कछुआ अपनी जगह से भागते हुए चीखता है, वर्चू, तारा, नहीं! सदियों से है पुरानी ये यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग हंसते हुए डरावनी आवाज में कहता है, मैं तारा के लिए यहाँ आया था और मैं तारा को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। इतना कहकर अनुराग अपना हाथ तारा की तरफ करके मन ही मन कोई सा मंत्र बड़बड़ाने लग जाता है। वर्चस्विनी तुरंत तारा को अपनी बाहों में भरते हुए उसे कसकर पकड़ते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी तारा को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। मुझे मेरी तारा से कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। तारा भी कसकर अपने दोनों हाथों से वर्चस्विनी को थाम लेती है। वो भी घबराने लग जाती है। बच्ची होने के कारण वो भूल जाती है कि वो महाशक्ति है। कछुआ अभी भी दर्द से तड़पे जा रहा था जिस कारण वो कुछ करने का सोच भी नहीं सकता था। युग भी उम्मीदें हार गया था। वो जानता था कि उसके पास जो शक्तियां हैं उनसे वो काले साये से नहीं लड़ सकता है।
अमोदिता, रजनी और वंदना तो अनुराग को वापस से जिंदा देखकर इतना डर गई थी कि कुछ करने की सोच नहीं सकती थी। वो जानती थी उनके टोने टोटके के मंत्र से वो तारा को नहीं बचा सकती थी। अभिमन्यु को ठीक करने की वजह से डायना की शक्तियां भी कमजोर पड़ गई थी, जिस वजह से वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सब डरे और सहमे हुए थे। अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ मन में सोचता है, लगता है मुझे फिर से एकास्त्र का यूज करना पड़ेगा, पर एकास्त्र तो ऊपर वाले कमरे में। अभिमन्यु इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही हवाएं तेज चलने लग जाती हैं, पत्ते उड़ने लग जाते हैं, एक सफेद रोशनी चारों तरफ फैलने लग जाती है जो आसमान की तरफ से आ रही थी। जब सब लोग अपनी नजरें ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि वो रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि हवेली के ही ऊपर वाले कमरे में से निकल रही थी। उस कमरे से इतनी तेज सफेद रोशनी निकल रही थी कि उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। देखते ही देखते सफेद रोशनी कुछ कम होती है और खिड़की से यामिनी बाहर आती है, यक्षिणी रूप में, जिसने अपने सिर पर ताज धारण किया था जिसके अंदर लाल हीरा लगा हुआ था। यामिनी ताज की शक्तियों से हवा में उड़ रही थी। ताज ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी। वो हूबहू अपनी माँ कामेश्वरी यक्षिणी की तरह लग रही थी। अगर यामिनी और कामेश्वरी दोनों एक साथ खड़ी हो जाए तो कोई पहचान ही ना पाए कि कौन माँ है और कौन बेटी। तारा यामिनी को यक्षिणी रूप में देखकर खुश हो जाती है और खुश होते हुए ये कहती है, यामिनी दीदी आप आ गई। अमोदिता तारा की बात पर गौर फरमाते हुए खुद से बड़बड़ा पड़ती है, तो ये यामिनी है जिसके बारे में युग जी। अमोदिता अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वंदना उसे बीच में टोकते हुए बोल पड़ती है, ये यामिनी नहीं है, ये यक्षिणी है। तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम उसकी सुंदरता से उसे पहचान नहीं पा रहे क्या? हाँ मुझे अच्छे से याद है, उस रात मैंने इसे ही अनुराग के साथ ग्रेवयार्ड कोठी में देखा था, उसके कमरे के अंदर वो करते हुए, और फिर इसी ने मेरे साथ बिसाह किया था। रजनी कुछ सोचते हुए कहती है, अगर ये यक्षिणी है तो फिर ये युग के कमरे में क्या कर रही थी और ये हमारी हवेली के अंदर कैसे? रजनी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है, न वंदना न अमोदिता, वो दोनों खामोश रहती हैं। अनुराग को देखकर दिलीप पहले से ही खौफ में था और अब यक्षिणी को भी देखकर उसका खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। अनुराग गुस्से के साथ यामिनी की तरफ देखने लग जाता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना मंत्र का जाप पूरा करने लग जाता है। जैसे ही उसका मंत्र पढ़कर पूरा होता है, उसके हाथ से तेज पीली रोशनी निकलने लग जाती है जो तारा के पास ही जा रही थी। तारा और वर्चस्विनी दोनों उस पीली रोशनी को देखकर घबराने लग जाती हैं। वर्चस्विनी और कसकर तारा को अपने सीने से सटा लेती है, अपने हाथों की पकड़ को और मजबूत कर लेती है। वर्चस्विनी और तारा दोनों डरी और सहमी हुई थी। वो पीली रोशनी तारा के पास पहुंचती उससे पहले ही उस पीली रोशनी से एक सफेद रोशनी आकर टकरा जाती है। वो सफेद रोशनी कहीं और से नहीं बल्कि यामिनी के हाथ से निकल रही थी। यामिनी अपनी शक्तियों से उस पीली रोशनी की दिशा को बदलने लग जाती है, उसे अपनी तरफ खींचने लग जाती है और उसमें यामिनी कामयाब भी हो जाती है। यामिनी अपनी शक्तियों से उस पीली रोशनी को नष्ट कर देती है। काले साए के हाथ से पीली रोशनी निकलना बंद हो जाती है। यामिनी अनुराग को घूरते हुए कहती है, मेरे होते हुए तू तारा को छू तक नहीं सकता है, मैं तारा को कुछ नहीं होने दूंगी। अनुराग डरावनी आवाज में कहता है, तू रोकेगी मुझे? मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं काल हूँ तुम सबका। तारा को मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। उस दिन तो तुझे छोड़ दिया था, जाने दिया था युग के साथ, पर आज नहीं। पहले कहीं तेरी कहानी खत्म करूंगा, फिर तारा को अपने साथ ले जाऊंगा उसकी शक्तियों को अपना बनाने। इतना कहकर अनुराग फिर गुस्से के साथ यामिनी की तरफ देखता है। अनुराग के हाथ से फिर पीली रोशनी निकलने लग जाती है, पर इस बार वो तारा की तरफ नहीं सीधे यामिनी की तरफ जाती है। यामिनी भी उस वार से बचने के लिए अपने हाथ से सफेद रोशनी निकालती है। पीली और सफेद रोशनी आपस में टकराने लग जाती है। जिस जगह पर वो दोनों आपस में टकरा रही थी वहां से लाल चिंगारियां निकल रही थी जो गरम गरम लावे की तरह थी। अगले ही पल सफेद रोशनी कम हो जाती है और पीली रोशनी जाकर सीधे यामिनी के हाथ से टकरा जाती है। यामिनी जमीन पर आकर गिर जाती है। यामिनी दर्द से कराहते हुए चीखती है, आह! यामिनी के हाथों और पैरों पर खरोच आ गई थी, उनसे खून निकलने लग गया था। अनुराग हंसते हुए कहता है, वाह क्या चीख है, तेरी चीख तो तेरी माँ की चीख से भी मस्त है। मुझे लड़कियों की चीखें बड़ी पसंद है, लगता है तुझे भी चखना पड़ेगा। दोनों माँ बेटी दिखती एक जैसी ही हो, पर लगता है दोनों के स्वाद अलग अलग है। अनुराग की बातें सुनकर यामिनी के अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो फिर से खड़ी होती है और सफेद रोशनी से अनुराग पर वार करने लग जाती है। अनुराग भी पीली रोशनी से अपना बचाव करने लग जाता है। यामिनी को यूं लड़ता हुआ देखकर युग के अंदर का आत्मविश्वास वापस लौट आता है। उसके अंदर भी अनुराग से लड़ने की हिम्मत आ गई थी। युग के हाथ पर जो इन्फिनिटी का निशान बना हुआ था उसमें मूवमेंट होने लग जाता है। सिर्फ उसके ही नहीं बल्कि अनुराग के हाथ के इन्फिनिटी वाले निशान में भी मूवमेंट होने लग जाता है। उस निशान के अंदर एक बिंदु घूमने लग गया था। युग कुछ करने की सोच ही रहा था कि इस बात की भनक अनुराग को लग जाती है, जैसे वो युग से जुड़ा हुआ हो। उसे पता चल रहा हो कि युग कब क्या करने की सोच रहा है।
अनुराग यामिनी से पीली रोशनी से लड़ते हुए ही युग से कहता है, नहीं युग, तू बीच में मत आ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, ये तेरी लड़ाई नहीं है। पहले तो युग भी अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि उसे कैसे पता कि वो उससे लड़ने की सोच रहा था, पर युग इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अनुराग से कैसे लड़े ये सोचने लग जाता है। अनुराग गुस्से के साथ युग से कहता है, मैंने कहा ना ये लड़ाई तेरी नहीं है, इंसानों की तो कतई नहीं, इसलिए तू बीच में मत पड़ युग बच्चा। युग अनुराग को पलट कर जवाब देते हुए कहता है, ये लड़ाई मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, पर यामिनी की तो है ना, और मैं अपनी यामिनी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी हर लड़ाई मेरी है, मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सामने मेरा काल क्यों ना खड़ा हो। तू काल कहता है ना खुद को, तो आ आ काल मेरा सामना कर। इतना कहकर युग अनुराग की तरफ गुस्से के साथ देखने लग जाता है। अचानक से हवाएं तेज चलने लग जाती हैं, इतनी तेज कि सबके कपड़े उड़ने लग जाते हैं। युग के हाथ का बवंडर का निशान तेजी के साथ चमकने लग जाता है। दिलीप समझ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो तुरंत जानकी का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती हवेली के अंदर ले जाता है। अभिमन्यु भी अपना एकास्त्र लेने के लिए हवेली के अंदर घुस जाता है। डायना भी उसी के पीछे पीछे हवेली के अंदर जाने लग जाती है, पर बाकी सब वहीं पर खड़े रहते हैं। हवाएं तेजी के साथ बह रही थी कि वो बवंडर का रूप लेने लग जाती है, और देखते ही देखते युग के सामने एक बड़ा सा बवंडर आ जाता है। युग अपने हाथों से इशारा करते हुए उस बवंडर को अनुराग की तरफ भेजने लग जाता है, जैसे युग चाहता हो कि अनुराग उस बवंडर में फंस जाए। अनुराग युग पर चिढ़ते हुए कहता है, तू नहीं माना ना युग, मानेगा कैसे, आखिर तू मेरी औलाद जो है, तो अब काल की बात ना मानने का अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, तो ले भुगत। इतना कहकर अनुराग यामिनी से लड़ते हुए ही उस बवंडर पर फूंक मार देता है। जैसे ही अनुराग उस बवंडर में फूंक मारता है, वो बवंडर पूरी तरह काले धुएं में बदल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस बवंडर के अंदर काले बादल मंडरा रहे हों, जो कुछ देर पहले हवेली के ऊपर मंडरा रहे थे। वो बवंडर एक विशाल रूप ले लेता है, जिसकी ऊंचाई हवेली से भी ऊंची हो गई थी। वो बवंडर अपना रुख बदल लेता है, अनुराग के पास जाने की जगह वो युग के पास जाने लग जाता है, और अगले ही पल वो बवंडर युग को अपने अंदर खींच लेता है। युग उस बवंडर में गोल गोल घूमने लग जाता है, वो उस बवंडर के अंदर फंस जाता है। चटर्जी युग को बचाने की कोशिश करते हुए चीखता है, युग, और अगले ही पल चटर्जी भी बवंडर के अंदर फंस जाता है। अभिमन्यु अभी एक कास्त्र लेकर हवेली से बाहर निकला ही था कि युग को बवंडर के अंदर फंसा हुआ देखकर खुद ब खुद चीख पड़ता है, युग। जैसे ही अभिमन्यु युग का नाम लेता है, वो भी बवंडर की तरफ खींचे चले जाने लग जाता है। एकदम से तेज हवा का झोंका आने के कारण अभिमन्यु अपना बैलेंस नहीं बना पाता है, वो फट से जमीन पर गिर जाता है, और उसके गिरने के साथ ही उसके हाथ से एकास्त्र छूट जाता है। जैसे ही उसके हाथ से एकास्त्र छूटता है, अभिमन्यु तेजी के साथ बवंडर की तरफ खींचे चला जाता है, वो भी बवंडर में फंस जाता है। जब डायना हवेली से बाहर निकलती है, तो अभिमन्यु को बवंडर के अंदर फंसा देखकर घबरा जाती है। डायना का ध्यान जमीन पर पड़े एकास्त्र पर नहीं जाता है, और वो कसकर चीखती है, अभी। डायना के चीखते ही वो बवंडर उसे भी अपने अंदर खींच लेता है, जैसे अभिमन्यु को खींच लिया था। डायना को संभालने का मौका ही नहीं मिला था, और वो भी बवंडर के अंदर फंस जाती है। डायना को बवंडर के अंदर फंसा देखकर कायर और कछुआ दोनों एक साथ डायना का नाम पुकारते हुए कहते हैं, डायना। युग और उसके सभी दोस्त चटर्जी के साथ बवंडर के अंदर फंस गए थे, वो उसी के अंदर घूमने लग गए थे। युग को चीखते चिल्लाते देखकर अमोदिता बवंडर के पास जाने लग जाती है, पर उसी वक्त रजनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब तू कहां जा रही है नालायक लड़की। अमोदिता हड़बड़ाहट के साथ जवाब देती है, युग जी की मदद करने माँ। रजनी पलट कर कहती है, क्या करेगी तू उस युग की मदद करके, तुझे दिखा नहीं वो उस यामिनी से प्यार करता है जो यक्षिणी है, मुझे नहीं लगता अब तेरी उससे कभी शादी भी हो पाएगी, रहने दे मरने दे उसे वहीं पर। अमोदिता झट से कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो माँ, मैं युग जी को ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, मैं तो करती हूँ ना, जब वो यामिनी को बचाने के लिए इतना सब कर सकते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्या। रजनी चिढ़ते हुए कहती है, तू सच में नालायक है अमोदिता, क्या करेगी तू जरा बताना, तूने देखा नहीं वो कोई मामूली बवंडर नहीं है, आहमान बवंडर है, उस बवंडर में फंसे इंसान का यदि कोई दूसरा व्यक्ति नाम तक लेता है तो वो बवंडर उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिसने नाम पुकारा हो। अमोदिता झट से कहती है, तो फिर मैं क्या करूँ माँ। रजनी कहती है, मैंने कहा ना हम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप खड़ी रहे, मरने दे सबको। वंदना हड़बड़ाहट के साथ कहती है, नहीं नहीं हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हमें युग को बचाना होगा। रजनी वंदना और अमोदिता दोनों पर चिढ़ते हुए कहती है, ये क्या हो गया है तुम दोनों को, लगता है मरने का शौक सवार हो गया है, तो जाओ मरो, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ रही। इतना कहकर रजनी हवेली के अंदर भाग पड़ती है। अमोदिता और वंदना दोनों एक दूसरे को देखते रहती हैं। उन दोनों के समझ नहीं आ रहा था कि वो युग और बाकी सबकी मदद कैसे करे, कैसे उन्हें बवंडर में से निकाले। युग और उसके सभी दोस्त बवंडर में फंस गए थे, और उस बवंडर के दूसरी तरफ ही यामिनी अनुराग से लड़ने में लगी हुई थी। दोनों के बीच रोशनी से लड़ाई चल रही थी।
अनुराग ने यामिनी पर कई वार किए थे, जिस कारण यामिनी कमजोर होने लग गई थी। उसके हाथ पैर और चेहरे पर कई खरोंच के निशान थे जहाँ से खून निकल रहा था, पर तब भी वो लड़ी जा रही थी सिर्फ और सिर्फ तारा को बचाने के लिए। वर्चस्विनी तारा को पकड़े हुए थी। बच्ची होने के कारण तारा भी बहुत डर गई थी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे सबकी मदद करे। वो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रही थी। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो महाशक्ति है। युग और उसके दोस्तों के चीखने चिल्लाने की आवाज बवंडर के बाहर तक सुनाई दे रही थी, और वही चिल्लाने की आवाज सुन सुनकर यामिनी और भी कमजोर हो रही थी और तारा डर रही थी। अनुराग काले साए के अंदाज में कहता है, याद है मैंने कहा था ना तुम सबसे, मैं अंत हूँ तुम सबका, पर तुम ही यकीन नहीं कर रहे थे। अब हुआ यकीन, मौत नजर आ रही है तुम सबको तुम्हारी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अनुराग काले साए के अंदाज में कहता है, याद है मैंने कहा था ना तुम सबसे, मैं अंत हूँ तुम सबका, पर तुम ही यकीन नहीं कर रहे थे। अब हुआ यकीन, मौत नजर आ रही है तुम सबको तुम्हारी। इतना कहकर अनुराग कसकस कर हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी हंसी आसमान में गूंजने लग जाती है। यामिनी के हाथों से निकलती हुई सफेद रोशनी और कम हो जाती है, और अनुराग के हाथों से निकलती हुई पीली रोशनी कुछ और आगे बढ़कर यामिनी के शरीर के और करीब पहुंच जाती है। यामिनी कमजोर होने लग गई थी, उसके पैर लड़खड़ाने लग गए थे। वो खुद भी ये बात समझ गई थी कि अनुराग के पास जो काली शक्तियाँ थीं, वो उसके पास मौजूद काली शक्तियों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थी। वो अनुराग के सामने अब और ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, पर फिर भी वो खड़ी हुई थी क्योंकि उसे किसी भी हाल में अनुराग के हाथों से तारा को बचाना था। वो नहीं चाहती थी कि अनुराग अपने काले मकसदों में कामयाब हो, तारा की शक्ति गलत हाथों में लगे। इधर जितनी यामिनी की जान खतरे में थी, उधर उतनी ही खतरे में युग और उसके दोस्तों की जान थी। बवंडर के घूमने की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई थी। बवंडर की स्पीड बढ़ने के साथ ही युग और उसके दोस्त भी और तेजी से बवंडर के अंदर घूमने लग गए थे। उन सबको उनके हाथ पैर सीधे करने या अपने आप को संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो बस एक दूसरे का नाम लेकर चीखे चिल्लाए जा रहे थे, अपनी जान की गुहार लगा रहे थे। बवंडर घूम ही रहा था कि तभी उस तेज बवंडर में तेजी के साथ बारिश की बूंदें गिरने लग जाती हैं। जैसे ही बवंडर के अंदर की बारिश की बूंदें चैटर्जी की पीठ पर गिरती है, चैटर्जी कस कर कराहते हुए चीखता है, आह! बारिश की बूंद जब चैटर्जी के बदन पर गिरी थी तो उसे ऐसा एहसास हुआ था जैसे किसी ने उसकी पीठ पर गर्म गर्म कील चुभोती हो। वो दर्द से तड़पने लग गया था। बारिश की बूंदें बवंडर के अंदर मौजूद सभी लोगों के बदन पर गिरने लग जाती है, और सबके मुंह से वैसे ही कराहने की आवाजें निकले जा रही थी जैसी चैटर्जी के मुंह से निकली थी। सब लोग और कसकस कर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। कछुआ और कायर एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही बवंडर के अंदर गोल गोल घूमे जा रहे थे। कछुआ घूमते हुए कसकर चीखते हुए कहता है, आग आग आग। कायर पलट कर कहता है, आग नहीं पानी, पानी की बूंदे हैं ये। कछुआ चीखता है, नीचे नीचे देख। जब कायर अपनी नजरें नीचे की तरफ करता है तो उसके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी आंखों में आग की लपटें दिखाई देने लग जाती है। बवंडर के सबसे निचले हिस्से में आग लगी हुई थी जिसकी लपटें बढ़ती जा रही थी। बवंडर के ऊपरी हिस्से में पानी था तो निचले हिस्से में आग, और युग उसके दोस्त बवंडर के बीच वाले हिस्से में गोल गोल घूमे जा रहे थे। युग और उसके दोस्त बवंडर के अंदर घूमते हुए निचले स्तर की तरफ आने लग गए थे जहाँ पर आग मौजूद थी। वो आग की तरफ नहीं अपनी मौत की तरफ आ रहे थे। बवंडर के सबसे निचले स्तर पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। युग और उसके दोस्त और कसकस कर चीखने चिल्लाने लग गए थे। वो इतना कसकर चीख रहे थे कि बवंडर के पास खड़ी अमोदिता और वंदना के भिदेल दहक गए थे। वो दोनों लगातार बवंडर को रोकने के लिए एक के बाद एक स्वादाइन वाले मंत्र पढ़े जा रहे थे, पर उन मंत्रों का उस बवंडर पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था। वो बवंडर रुक ही नहीं रहा था, बल्कि देखते ही देखते और ज्यादा बड़ा हो गया था। हर तरफ मौत का मंजर छाया हुआ था। एक तरफ यामिनी कमजोर पड़ने लग गई थी तो दूसरी तरफ युग और उसके दोस्त आग की लपटों के पास पहुंचने लग गए थे। अंधेरा बढ़ने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे बुराई अपना परचम लहरा रही हो। तारा को हर जगह अंधेरा दिखाई देने लग गया था। उस अंधेरे में उसे कभी यामिनी की दर्द भरी कराहती आवाज सुनाई देती तो कभी युग और उसके दोस्तों की। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों की मदद कैसे करे। वो बस डरी हुई और सहमी हुई थी। तारा डरी हुई और सहमी हुई थी कि तभी उसे कायर और कछुए की आवाज सुनाई देती है जो बवंडर के अंदर अपनी जान से लड़ते हुए तारा का नाम पुकारे जा रहे थे। जैसे उन्हें तारा पर विश्वास था कि तारा उन्हें जरूर बचाएगी। तारा अपने आसपास देखने लग जाती है।
एक तरफ उसे अनुराग से लड़ते हुए यामिनी नजर आ रही थी जो कुछ ही देर में हारने वाली थी, तो दूसरी तरफ युग और उसके दोस्त बवंडर के अंदर अपनी जान के लिए जूझते हुए नजर आ रहे थे। उसे याद आता है कि ये सब लोग उसी के लिए लड़ रहे थे ताकि वो अनुराग के हाथों न लगे। अगले ही पल तारा को एहसास होने लग जाता है कि ये लड़ाई जितनी यामिनी युग और उसके दोस्तों की नहीं थी उससे कई ज्यादा उसकी थी। सबको यूं तड़पता हुआ देखकर उसे एहसास हो जाता है कि उसका जन्म किसी मकसद से हुआ था, इसलिए उसे महाशक्ति मिली थी ताकि पृथ्वी पर फैलते अंधकार को वो रोक सके, बुराई का अंत कर सके। तारा को अपने अंदर महाशक्ति का एहसास होने लग जाता है। वर्चस्विनी ने अभी भी तारा का हाथ कसकर थामा हुआ था और तारा ने वर्चस्विनी का। वर्चस्विनी के अंदर की माँ की ममता ने ही तारा को कुछ कमजोर होने पर विवश कर दिया था। कभी कभी अपनापन लगाव ही आपको कमजोर बना देता है और आज यही तारा के साथ हुआ था। माँ की ममता के आंचल में वो इस तरह लिपट गई थी कि अपनी जवाबदारियों को एक पल के लिए भूल गई थी। जैसे ही तारा को अपनी जवाबदारियों का एहसास होता है तारा वर्चस्विनी का ममता भरा हाथ छोड़ देती है। वर्चस्विनी घबराते हुए तारा से कहती है, तारा बेटी तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही तारा घबराते हुए बोल पड़ती है, मुझे जाना होगा माँ, मैं सबको ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, वो मेरे लिए ही लड़ रहे हैं तो मैं ऐसे कैसे छुप कर बैठ सकती हूँ। माँ आप ही तो कहती थी ना अपनी जंग हमें खुद लड़नी चाहिए न कि दूसरों से लड़वानी चाहिए, तो फिर मैं कैसे जंग में ना उतरूँ। इतना कहकर तारा खुद चुप हो जाती है। जब वर्चस्विनी तारा की आंखों में देखती है तो उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई देने लग जाती है, वो उम्मीद की किरण जो अब तक दिखाई नहीं दी थी। उसे तारा की आंखों में आसपास छाए अंधेरे का अंत दिखाई देने लग जाता है। वर्चस्विनी इस बार तारा को नहीं रोकती है और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहती है, जा तारा बेटा जा और इस लड़ाई का अंत कर, अब तू ही कुछ कर सकती है। तारा बवंडर की तरफ देखने लग जाती है। वो मन ही मन कुछ स्मरण करती है और अगले ही पल जब बवंडर की तरफ अपनी नजरें करती है तो बवंडर के घूमने की स्पीड कुछ कम हो जाती है। बवंडर के अंदर बरसात होने लग जाती है, नॉर्मल बरसात, जिस कारण बवंडर के नीचे जो आग की लपटें जल रही थी वो बुझ जाती है। तारा ने बवंडर के नीचे की आग को तो बुझा दिया था पर अभी तक वो बवंडर को नहीं रोक पाई थी। वो बवंडर को रोकने के लिए कुछ करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर यामिनी पर पड़ती है और वो देखती है कि वो पूरी तरह कमजोर पड़ गई थी। अनुराग के हाथ से निकलती पीली रोशनी यामिनी के शरीर के पास पहुंचने लग गई थी और कुछ ही पल में उसके शरीर से जाकर टकराने वाली थी। तारा बवंडर को वैसे का वैसा ही रहने देती है और यामिनी के पास भागते हुए जाने लग जाती है। पीली रोशनी यामिनी के शरीर को छेद कर आर पार निकलती उससे पहले ही वहां पर तारा पहुंच जाती है। तारा अपना हाथ अनुराग की तरफ बढ़ाती है और देखते ही देखते तारा के हाथ से भी सफेद रोशनी निकलने लग जाती है जो यामिनी के हाथ की रोशनी से जाकर मिल जाती है। तारा और यामिनी के हाथ से निकलती सफेद रोशनी के मिलने से उनकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सफेद रोशनी पीली रोशनी को पीछे ढकेलने लग जाती है। ये देखकर अनुराग घबराने लग जाता है, पहली बार उसकी आंखों में खौफ दिखाई दे रहा था, वो डरने लग गया था। तारा को देखकर यामिनी में भी वापस से हिम्मत आ जाती है, वो भी तारा के साथ ही खड़ी हो जाती है और अनुराग की शक्तियों का डटकर सामना करने लग जाती है। तारा और यामिनी दोनों ही साथ साथ खड़े होकर अनुराग का सामना कर रहे थे। अनुराग के हाथ से निकलती हुई पीली रोशनी तेजी के साथ कम होने लग गई थी, सफेद रोशनी अनुराग के पास पहुंचने लग जाती है। ये देखकर अनुराग घबराने लग जाता है। अनुराग डरते हुए तारा और यामिनी को देखते हुए कहता है, रुक जाओ ऐसा मत करो। यामिनी गुस्से के साथ अनुराग को घूरते हुए कहती है, आज तेरा अंत है, आज तेरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इतना कहकर यामिनी अपने अंदर की शक्तियां और बढ़ा देती है, साथ में तारा भी। दोनों के हाथों से स्पीड के साथ सफेद रोशनी निकलती है और तेजी के साथ पीली रोशनी को नष्ट करते हुए पीछे ले जाने लग जाती है। अगले ही पल पीली रोशनी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और सफेद रोशनी अनुराग के शरीर से जाकर टकरा जाती है। जैसे ही सफेद रोशनी अनुराग के सीने से जाकर टकराती है, अनुराग कसकर दर्द से कराहते हुए चीखता है, आह नहीं। इस चीख के साथ अनुराग का शरीर धुएं में बदलने लग जाता है, वो धुएं की तरह बिखरने लग जाता है। ये देखकर यामिनी और तारा चैन की सांस लेने लग जाते हैं। अनुराग का शरीर पूरी तरह धुएं में बदल कर बिखर जाता है, जहाँ पर पहले अनुराग खड़ा हुआ था अब वहाँ पर धुआं ही धुआं था। यामिनी और तारा अभी चैन की सांसें ही ले रहे थे कि उसी वक्त धुआं वापस से जोड़ने लग जाता है। देखते ही देखते वो धुआं पहले आदमी के शरीर की बनावट लेता है और फिर अनुराग के रूप में बदल जाता है। अनुराग तारा और यामिनी को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। अनुराग को वापस से सही सलामत देखकर तारा और यामिनी दंग रह जाते हैं। उनके समझ नहीं आ रहा था कि शक्तियों के उससे टकराने के बाद भी अनुराग का अंत क्यों नहीं हुआ था। अनुराग यामिनी को देखते हुए कहता है, क्या कहा था तूने यामिनी, आज अभी आज मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तू मेरी कहानी का अंत कैसे करेगी यामिनी, अभी तो मेरी कहानी शुरू भी नहीं हुई है, अंत तो मैं तुम सबका करूंगा अपनी कहानी में।
अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुझसे, तेरा ताज होने के बावजूद तू मेरा अंत नहीं कर पाएगी। और देख अपनी हालत, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। एक अभिशापित यक्षिणी कभी मेरा अंत नहीं कर सकती, कभी नहीं। तू एक अभिशापित है, अभिशापित। इतना कहकर अनुराग फिर कसकस कर हंसने लग जाता है। यामिनी के दिमाग में फिर अनुराग की अभिशापित वाली बात घूमने लग जाती है। अगले ही पल अनुराग फिर अपनी शक्तियों से तारा यामिनी पर वार करने लग जाता है। उसके हाथ से पीली रोशनी निकलने लग जाती है और यामिनी तारा के हाथों से निकलती सफेद रोशनी से जाकर टकराने लग जाती है। इस बार अनुराग अपनी दुगनी शक्तियों से तारा और यामिनी पर वार कर रहा था, जिस कारण इस बार वो तारा यामिनी पर भारी पड़ रहा था। यामिनी और तारा दोनों मिलकर भी उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, अनुराग का कुछ नहीं कर पा रही थी। अनुराग तिरछी नजर करके बवंडर की तरफ देखता है और बवंडर के निचले स्तर पर फिर से आग लग जाती है। और इस बार आग की लपटें काफी तेज थी, जो युग और उसके दोस्तों तक पहुंच रही थी। युग और उसके दोस्तों के चीखने की आवाजें फिर से गूंजने लग जाती हैं। वो दर्द से कराहने लग जाते हैं। वो आग बवंडर के बाहर तक दिखाई देने लग गई थी, उसकी चिंगारियां बवंडर में से बाहर निकल रही थी। अनुराग हंसते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मैं अंत हूँ तुम सबका। तारा ना ही अनुराग को रोक पा रही थी और ना ही बवंडर में फंसे बाकी लोगों को बचा पा रही थी। उसके हाथ से निकलती सफेद रोशनी अनुराग के सीने से जाकर टकराती तो थी, पर उसका अंत नहीं कर पाती। ना ही यामिनी की शक्तियों से उसका अंत हो रहा था। तारा के समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अनुराग का अंत क्यों नहीं कर पा रही थी। तारा ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी, पर वो अनुराग का कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंच रहा था। अनुराग डरावनी आवाज में पागलों की तरह हंसते रहता है। उसकी हंसी के साथ ही युग और उसके दोस्तों के दर्द भरे कराहने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो आवाजें बार बार तारा के कानों में गूंजने लग जाती हैं। कछुआ और कायर बार बार तारा से मदद की गुहार लगा रहे थे। तारा को वो आवाजें भी सुनाई देने लग जाती हैं, पर वो चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। तारा को अपने आप पर गुस्सा आने लग जाता है। उसके अंदर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। अनुराग हंसते हुए ही डरावनी आवाज में तारा से कहता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती तारा। मैं तेरी आंखों के सामने सबका अंत कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबका अंत कर दूंगा। सबके अंत वाली बात तारा के अंदर के गुस्से को और बढ़ा देती है। तारा के अंदर का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका चेहरा लाल दिखाई देने लग जाता है। तारा के चेहरे के लाल होते ही अनुराग के सीने से तारा के हाथों से निकली जो सफेद रोशनी टकरा रही थी, उससे अनुराग कमजोर होने लग जाता है। उसे अपने बदन में कमजोरी महसूस होने लग जाती है। बवंडर भी बड़े से छोटा होने लग जाता है। अनुराग नोटिस करता है कि तारा का गुस्सा बढ़ने के कारण उसके माथे के बीचों बीच एक निशान उभरने लग जाता है। उस उभरती हुई चीज को देखकर अनुराग घबरा जाता है। वो ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि ये सब तारा के ज्यादा गुस्सा करने की वजह से हुआ था। उस निशान को तारा के माथे के बीचों बीच आते देखकर अनुराग धुएं के रूप में बदल कर वहां से गायब हो जाता है। और उसके गायब होते ही बवंडर भी गायब हो जाता है। युग और उसके दोस्त जमीन पर आकर गिर जाते हैं। अचानक से मंजर में खामोशी छा जाती है। अब किसी के चीखने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अमोदिता ने तारा को ये सब करते हुए देख लिया था। अमोदिता तुरंत अपने आसपास देखते हुए तारा से पूछती है, वो कहाँ गया? क्या उसका अंत हो गया? वो मर गया? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।